<سؤال> الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولو अलकुम वहल वबरकू क्या हाल है सबका आवाज ठीक आ रही है आप कम है थोड़ी सी बढ़ा दें कल के पारे में से कौन से हीरे जो जवाहरात चुने आपने हाथ खड़ा कीजिए इनके सामने फ्रंट लाइन पे दीजिए फ्रंट रोड यहाँ से इनल हसनात जज़ब सिय्यात नेकी क्यों करें जज़ब सिय्यात नेकी क्यों करें अल्लाह की ओके ठीक है साथ कल के पॉइंट में आजमाइशों के बारे में बात हुई थी आजमाइशें गुनाह धोने का सबब बनती हैं और आपने बताया था अल्लाह की रहमत हासिल करने का सबब है और एक सनत हमारे पास आती है कि अल्लाह सुबह तला हमारे गुनाहों को धो रहे हैं आजमाइशों पर सब्र करना लाजम है हमें पीछे दीद टाइम बचाइए जी अब दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो पिक एंड चूज नहीं करना सारे हुक्म अल्लाह के मानने हमें ठीक है अच्छा। इधर दीजिए हाथ तरह ऊंचा खड़ा करें ताकि जी जी, तो तो में गोते आपने लगाए एक, एक, जी, एक हीरा उसमें से बातल तरीके से माल का सब चोरी झूठ उधार वापस ना करना उजरत खाना दुश्मन के साथ ज्यादा भी नहीं करनी ठीक आयत 156 फिफ्टी सिक्स इस जब मुसीबत पे आए तो कालू कहें इन्ना कालुक है ले ही लहरा राजनी हर मुसीबत पर ये कहने के बजाय जब मुसीबत है इनके हर मुसीबत पर सिर्फ औरत होने पर नहीं हर मुसीबत पर क्योंकि हम ये सिर्फ इसको हमने मखसूस कर लिया मरने वालों के साथ जी ये हमने इस बात को दुरुस्त समझने की कोशिश करनी जी आप फरमाइए आयत टू फोटीन मुश्किल वक्त होने के बावजूद अच्छे दिन का इंतज़ार करना सब्र है करीब। जी पीछे। हाथ ऊंचा खड़ा कीजिए ताकि पता चले मेरा फोकस मेरा फोकस इल्म अमल सब्र शुक्र के साथ अल्लाह को राज़ी करना है शुक्रिया शुक्र इबादत की बेहतरीन कस्म है

स्पेशली होता है ना जब हम पढ़ के जाते हैं हम अपने साथ एक अहद बांधते हैं आज हमने ये काम करना है फिर जाके वो करते भी हैं ठीक है जी जी कोशिश करें कि वो चीज़ें शेयर करें जो आप एक्सपीरियंस भी करें जरूर निशार्णा। निशार्णा। पीछे इनको दीजिए तकलीफ पर मोमिन का रवैया ये होता है कि सबसे पहले सब्र फिर तकलीफ पर राजी हो जाना फिर मुसीबत पर भी शुक्र अदा करना और अल्लाह से नाराज ना होना गुड हर काम को सीधे तरीके से करना है। उनको करते। के में में शामिल होना चाहिए अल्लाह की खातिर जंग भी करो और माल भी खर्च करो अल्लाह तला को झगड़ा लू लोग नहीं पसंद और जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ठीक बहुत शुक्रिया बस इजत दे दीजिए एक इनको बस दे दीजिए दिस इज द लास्ट खाने के बाद शुक्र अदा करने वाला आ, साबिर रोजेदार का जजाक अल्लाह खैर ओके आज के लिए इतना काफ़ी है कोशिश कीजिए वन लाइनर बगैर किसी और बात के सीधा सीधा क्या सीखा ताकि आपको टू द पॉइंट प्रिसाइज और मीनिंगफुल बात करना आए ठीक है और जिसने लंबी बात की उसको नेक्स्ट टाइम माइक नहीं दीजिएगा شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. लाहमद कुल्लु व इहीमरुकुल्लु ला मलजा अवला मन जा मनहुअलाई लालावत अला बि हर किस्म की हमद अल्लाह के लिए है उसी के हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और वो पनाह देता है और उसके खिलाफ किसी को कोई पनाह नहीं दे सकता उसी के लिए हर किस्म की हमद है और तमाम मामलात उसी की तरफ लौटते हैं अल्लाह से पनाह की कोई जगह नहीं है और कोई निजात नहीं है मगर उसी की बारगाह में लौट कर जाने में गुनाह से बचने के लिए कोई ताकत नहीं है और किसी नेकी को करने की कोई कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह ही की तौफीक के साथ आइए हम शुरू करते हैं तीसरा पारा من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और इनमें से बाज को दर्जात में बुलंदी अता की और हमने ईसी इब्ने मरियम को वाज नि नशानियाँ अता कं और रूहुल क़ुदस से उसकी तायद की और अगर अल्लाह चाहता तो वो लोग जो इनके बाद आए वाज निशानियाँ आ जाने के बाद बाहम न लड़ते लेकिन उन्होंने इख्तलाफ़ किया फिर उनमें से कुछ तो ईमान ले आए और उनमें से कुछ ने कुफ्र किया और अगर अल्लाह चाहता तो वो बाहम न लड़ते लेकिन अल्लाह करता है जो वो चाहता है दिल कर मुराद यहाँ वो रसूल हैं जिनका इस सूरत में ज़िक्र आया है अम्बिया के मुख्तलिफ़ दर्जात हैं और वो फजीलत में एक दूसरे से ज़्यादा हैं जैसा कि सूरत बन इसराइल में आता है वल़दल नाबाद नबी नालाबाद और बिला शुबा यकीनन हमने बाज नबियों को बाज़ पर फजीलत बख्शी है और उन सब अम्बिया पर किसको फजीलत हासिल है मोहम्मद सल्ला को रसूल सला वम ने कयामत के दिन मैं आदम की औलाद का सरदार होंगा और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और सबसे पहले मैं शफात करूंगा और सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी एक और मकाम पर आपने फ़रमाया अनदैद आदम वा फ़ख्र मैं औलाद आदम का अनव सैदु वलद आदम वला फ़खर के मैं आदम सलाम की औलाद में से सबका सरदार हूँ लेकिन इसमें कोई फ़खर की बात नहीं बावजूद इसके कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत बुलंद मकाम अता किया था लेकिन आपके अंदर आजजी और बंदगी की खू थी इसी तरह इब्राहिम सलाम की भी फज़ीलत है अनस बिन मालिक कहते हैं एक आदमी रसूल अल्लाह आसम की खिदमत में आया और उसने अर्ज़ किया या आखिरलबरी या तो रसूल अल्लाह सल वसम ने फ़रमाया वो तो इब्राहीम सलाम हैं इसी तरह आपने ये भी फ़रमाया कि किसी भी बंदे के लिए ये कहना जायज़ नहीं कि मैं यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ यानी आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए अपने अपने नबी की फज़ीलत बताकर अल्लाह ने जिसको फज़ीलत अता की उसको अता कर दी वल अल्लाह मकतम अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद के लोग आपस में ना झगड़ते इस आयत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि कुफर और ईमान में लोगों का इख्तलाफ तो पहले से ही चला आ रहा है कोई नबी ऐसा नहीं कि जिसकी सारी उम्मत ईमान ले आई हो लिहाजा आप इनके इनकार से रंजीदा ना हो और बहुत से लोगों ने इख्तलाफ कब किया जाबीत वो लाकिन इख्तलफ इसके बाद कि उनके पास बीनात बाज़ दलाइल रोशन दलाइल आ चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने इख्तलाफ किया क्योंकि इख्तिलाफ़ अमूमा ज़िद्द की बिना पर होता है तो कुछ लोग तो ईमान ले आए लेकिन बाज़ ने उनमें से कुफ्र किया और अगर, अगर अल्लाह चाहता अल्लाह की मशीयत ये होती कि वो इख्लाफ़ ना करें और आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करें एक दूसरे से लड़ाई ना करें तो ऐसा हो जाता लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास मसलहत के तहत इंसानों को आज़ादी दी है कि वो जो करना चाहे इस दुनिया में करें और फिर उसका अंजाम तो आखिरत में भुगतेंगे फिर फरमाया फरमायादी वाला शफा वलका फिर ऐ लोगों जो ईमान लाए हो जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई ख़रीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती और ना ही कोई सिफारिश फायदा देगी और काफिर लोग ही दरअसल जालिम हैं यहाँ ईमान वालों को बताया जा रहा है कि नेकमाल और खसूस सदका खैर आखरत की निजात के लिए बहुत ज़रूरी हैं यह है जुमला नोट करने का ठीक है याद रखने का अमल करने का कि आखरत की निजात के लिए नेकमाल और खूस सदका खैरा काम आता है इंसान दुनिया में जो कुछ भी अपने पास रखता है उस सब कुछ छोड़कर अकेला अल्लाह सुबहान सामने हाजिर होगा उस वक्त इंसान इंसान को सिर्फ उसके आमाल ही काम आएंगे तो अमाल में खूस सदका खैरात को अपने निजात के लिए वसीला बनाओ क्यामत के दिन दुनियावी दोस्ती रिश्तेदारी स्टेटस सफारिश कुछ काम नहीं आएगी सदक़ा इंसान को जहन्नम से बचाने का ज़रिया है नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में हर हर फर्द से अल्लाह ताला क्यामत के दिन इस तरह कलाम करेगा कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा फिर वो देखेगा तो उसको आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी फिर वो अपने सामने देखेगा और उसके सामने आग होगी तुम में से जो शख्स भी आग से बचने की इस्तात रखता है वो आग से बचे हाँ खजूर के एक टुकड़े के जरिए ही क्यों ना मुमकिन हो यानी सदका खैरत के लिए ज़रूरी नहीं होता कि इंसान बहुत बड़ी अमाउंट खर्च करे तो तभी उसकी निजात होगी अगर सदके में देने के लिए और कुछ नहीं सिर्फ एक खजूर अगर खजूर पूरी भी नहीं आधी खजूर खजूर का भी एक टुकड़ा अगर वो भी दे सकते हो तो देकर आग से बच जाओ क्योंकि आग बड़ी हौलनाक चीज़ है जिसे बर्दाश्त करना और वो भी दुनिया की आग से सिक्सटी नाइन टाइम ज़्यादा दुनिया की आग उसका सत्तरवा हिस्सा है लिहाजा इसका तजुर्बा भी किया कीजिए आज शाम जब आप कुकिंग करेंगे तो ज़रा सा करीब ले जाएं अपने हाथ को और अगर आप रोटी खुद बनाते हैं तो तबे के ऊपर कोशिश करें टच करने की इंसान करीब भी नहीं ले जा सकता ऐसा हौल आता है उस वक्त ख़ास तौर पर अगर रो कर इस्तार कर सकें तो रो कर निजात मांगें कि अल्लाह इस आग से बचा लेना और अगर रोना ना भी आए तो दिल से इस्तवार करें और दुआ करें अल्लाह अजरना मिनन्नार अल्लाह हमें आग से बचा लेना क्योंकि व मन जु रहा नन्नारी विल जन्नत फ़कदफ़ाज़ जो आग से जहन्नम से बचा लिया गया आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो दरअसल कामयाब हुआ इसके बाद कुरान मजीद की सबसे अज़ीम आयत आयत कुकर आती है अल्लाह अलातुलामा खलफहम जीम अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं वो जिंदा है सबको कायम रखने वाला है न उसे ऊँग आती है और न नींद आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है कौन है जो उसके इजन के बग़ैर उसके यहाँ सिफारिश कर सके वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है और उन दोनों की हिफाजत उसको थकाती नहीं और वो बहुत बुलंद और वो बुलंद बहुत बड़ा है वही अपने काब कहते हैं कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ए अबू मनिर क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास अल्लाह की किताब में से कौन सी आयत सबसे बड़ी है अज़ीम है फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं आपने फ़रमाया ए अः अबुलमंर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब में से कौन सी आयत सबसे बड़ी है वो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया ला इलाहा क़य्यूम वै अबनकाब कहते हैं कि आप सल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया अल्लाह की कसम तुमने दुरुस्त कहा अः अबुलमंिर तुम्हें ये इल्म मुबारक हो यह है वो इल्म जो बाबरकत है यह है वो इल्म जो फ़ायदा मंद है अल्लाह में इन्नी असल काम नाफ्यान जिसको ये नहीं पता कि कुरान मजीद की अजीम तरीन आयत आयतल कुर्सी है तो उसके पास वो कौन सा इल्म है जो उसके लिए मुबारक होगा जो शख्स हदीस में आता है जो शख्स हर फर्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े उसको मौत के अलावा कोई चीज़ जन्नत में जाने से रोक नहीं सकती लिहाजा हर फर्ज़ नमाज के बाद पाबंदी से इसको पढ़ना शुरू करें, अगर आदत है तो मुबारक हो और अगर नहीं तो आदत डाल लीजिए इस आयत में इस एक आयत में तोहहीद के बारह दलाइल हैं अल्लाह सुबहान तआला के आसमाऊ सिफात पर मुश्तमिल ये वाहिद अज़ीम आयत है इसमें अल्लाह तआला के पाँच नाम हैं अल्लाह, अल्लाहाई अल अली अज़ीम और रब तबारक तआला की तकरीबन बीस से ज़्यादा सिफात हैं इसमें इब्न तैमिया कहते हैं कुरान करीम में कोई एक आयत भी ऐसी नहीं जो इन माना और सिफात पर मुश्तम हो जिस क़दर इन पर यह कुर्सी मुश्तिल है ये अज़ीम आयत दस मुस्तकिल जुमलों पर मुश्तमिल है यानी एक आयत के अंदर दस बातें अलग अलग तौर पर कही गई हैं तो अल्लाह सुबहान हई है सदा जिंदा रहने वाला हमेशा से है और हमेशा रहेगा उसकी ज़िंदगी मौत से पाक है बाकी किसी की ज़िंदगी मौत से बची हुई नहीं अल क्यूम हमेशा से कायम है बग़ैर किसी फना और जवाल के अली बहुत बुलंद है सारी मखलूक से बुलंद सातों आसमानों से भी ऊपर अरश पर मुस्तवी है अर्रहमान अल अरशवा वो जो रहमान है वो अर्श पर मुस्तवी हुआ अलीम सबसे बड़ा है अपनी शान में हुकूमत में गलबे में हर एतबार से सबसे ज़्यादा अजीम है लिहाजा हमें इस आयत को ख़ुद भी याद कर लेना चाहिए और अपने बच्चों को भी याद कराना चाहिए

यकीन हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है तो जो कोई तागूत का इनकार करता है और अल्लाह पर ईमान रखता है तो यकीन उसने एक मज़बूत कड़ा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं और अल्लाह खूब सुनने वाला ख़ूब जानने वाला है इब्ने अब्बास कहते हैं कि जाहिलियत में अगर किसी औरत के बच्चे ज़िंदा न रहते तो वो ये नज़र मान लेती थी कि अगर बच्चा ज़िंदा रहा तो वो उसे यहूदी बना देगी फिर जब बन नज़ीर को जिला वतन किया गया तो उनमें अनसार के कई बच्चे थे जो उन्होंने यहूद को दे दिए थे तो अनसार ने कहा हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो बहरहाल इस पर यह आयत नाजिल हुई कि वालदान भी अपनी औलाद को ज़बरदस्ती किसी और दीन में दाखिल नहीं कर सकते यानी अगर वो खुद बहक गए हैं तो अपनी औलाद को मजबूर करें कि वो भी उनके साथ गुमराह हों तो ऐसा नहीं होगा और इसी तरह अगर कोई वालदान खुद मुसलमान हो गए हैं तो फिर उनको अपनी औलाद को या वालदान को या रिश्तेदारों को या दोस्तों को इस्लाम की दावत तो देनी चाहिए लेकिन जबरन धमकी देकर जुल्म सितम के साथ इस्लाम में दाखिल नहीं किया जाएगा यानी जो भी शख्स मुसलमान हो सोच समझ कर मुसलमान हो क्योंकि अगर कोई किसी पर ज़बरदस्ती करेगा तो उसके दिल में ईमान तो नहीं आएगा वो तो ज़बरदस्ती का ईमान तो कबूल भी नहीं है फिर क्या फ़ायदा और यहाँ जो लफ्ज़ तागूत इस्तेमाल हुआ है तो तागूत हर वो चीज़ है जो अल्लाह के मुकाबले में सरकशी करे और अल्लाह को छोड़ कर उसकी इबादत की जाए खा जिसकी भी बंदगी की जाए खा वो कोई इंसान हो कोई लीडर हो शैतान हो बुत हो कोई तस्वीर हो कोई दरख्त हो पत्थर हो कुछ भी यानी जिसे अल्लाह का निध या मुकाबिल करार दे दिया गया हो याद रखिए ताूत की नफ़ी के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं जब तक हर किस्म के शर्क की नफ़ी ना की जाए अल्लाह के लिए इखलास मुकम्मल नहीं हो सकता क्योंकि शर्त है वहीं यकफुर फुर तााहूती व यु उम बिल्ला तो जो अल्लाह पर ईमान लाए और तावूत का इनकार ना करे तो वो मुमिन नहीं हो सकता इसीलिए हम जब कलम तोहद पटने इस्लाम में दाखिल होते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं ला इल्लल्लाह पहले सब इलाहों का इनकार करते हैं फिर अल्लाह सुबहान तला का इकरार करते हैं अल्लाह वली आमनू युकिन अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाता है और वो जिन्होंने कुफर का रवैया इख्तियार किया उनके दोस्त तागूत हैं वो उन्हें रोशनी से अंधेरों की तरफ निकाल ले जाते हैं यही लोग आग के साथी हैं वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं यहाँ अल्लाह तआला का एक और नाम एक और सिफत बयान हुई है कि वो अलवली भी है दोस्त है मददगार है जो अपने दोस्तों की मदद करता है कैसी मदद कि उनको अंधेरों से निकाल लाता है किस की तरफ रोशनी की तरफ अंधेरे तीन तरह के हैं नंबर एक जहालत का अंधेरा जहालत एक तारीकी है जैसे एक नाबीना इंसान होता है और वो परेशान होता है कि वो किधर को जाए किधर न जाए वो कहीं जा नहीं सकता उसको रास्ता नहीं मिलता तो जाहल इंसान को भी नेकी के कामों का पता नहीं चलता उसको रास्ता नहीं मिलता दूसरे कुफर का अंधेरा कुफर की तारीखी और इसके मुकाबले में ईमान की रोशनी है जब इंसान ईमान ले आता है तो उसका दिल और चेहरा रोशन हो जाता है तीसरे नाफ़रमानियाँ नाफरमानियों के अंधेरे गुनाह और ये जुजवी तारीकी है जितनी बड़ी नाफरमानी होगी उतना बड़ा अंधेरा और जितनी छोटी नाफरमानी उतना छोटा अंधेरा इन तीन अंधेरों के मुकाबले में तीन नूर हैं यानी तीन तारिकियाँ हैं तो तीन नूर हैं जहालत गफुर और नाफ़रमानी की तारीकी के बिलमिल जहालत के मुकाबले में इल्म का नूर कुफर के मुकाबले में ईमान का नूर और नाफरमानी के मुकाबले में इसकामत का नूर फरमा बरदारी का नूर अब ये होता कैसे है अल्लाह ताला कैसे ले जाता है रोशनियों की तरफ़ इसके लिए पुरानी मजीद में सूरत इब्राहिम में आता है अलफ़िला किताबन अनना कल तुखर जन्नासमूर इला बिजनम इलासरात आज़ीज़ अहमीद अलिफिला ये एक किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाएँ तो क़़ुर से हमें ईमान भी मिलता है क़ुरान से हमें इल्म भी मिलता है और क़ुरान से हमें इल्म की ताकत अमल की ताकत भी मिलती है लिहाजा जो शख्स ये चाहता है कि उसे अल्लाह ताला अंधेरों से निकाल कर रोशनियाँ अता कर दे उसे चाहिए कि वो कुरान से मज़बूत ताल्लुक़ कायम करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तलावत कुरान को अपने लिए ज़रूरी समझो याद रखिए तिलावत का मतलब सिर्फ़ अरबी पढ़ लेना नहीं है तिलावत कर्न को अपने लिए ज़रूरी समझो क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज़मीन पर नूर का सबब होगा और आसमान में तुम्हारे लिए ज़खीरा होगा दुनिया तुम्हारी नेकियां बढ़ जाएंगी, नेकियों का ज़खीरा अब अल्लाह सुबहान कुरान मजीद में कुछ वाकयात बयान करते हैं जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला किस तरह अपने प्यारों को जिनके साथ वो भलाई का इरादा करता है अपने दोस्तों को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आता है पहली मिसाल अलम तरल हाज इब्राहिम अफीर अबी ही अन आतामल्क क्या आपने इस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया इशारा है नमरूद की तरफ इस बिना पर के अल्लाह ने उसे बादशाहत दे रखी थी लिहाजा वो तकबर में मुतला हो गया अपने आप को खुदा समझने लगा जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी अता करता है और मौत देता है उसने कहा मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ इब्राहिम ने कहा ऐसा है तो अल्लाह तो सूरज को मशरक से लाता है तुम उसे मग़रब से ले आओ तो इस बात पर वो शख्स जो कुफर इख्तियार किए हुए था हक्का बक्का रह गया और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता तो बादशाह के अल्लाह ताला के मतलब इब्राहिम से झगड़े की वजह क्या थी कि अल्लाह ने उसको हुकूमत अदा की हुई थी शुक्र अदा करने की बजाय वो इताद करने की बजाय ईमान लाने की बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मानने के बजाय और बिगड़ गया अगर अल्लाह ताला उसे फ़कीर बना देता ना तो शायद वो ऐसा तकबर ना करता और इस तरह ना बिगड़ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के रहने वाले थे और उनके ज़माने में इराक के अंदर शिर्क अपनी सारी सूरतों के साथ मौजूद था वो बुतों को पूछते थे सूरज चांद और सितारों की परस्तिश वो करते और इसके साथ साथ बादशाह वक्त को भी रब मानते थे इतना बड़ा शिरक था उनके अंदर तो इब्राहीम सलाम के ज़िम्मे इन सब चीज़ों की तरदीद करके लोगों को अकेले रब की तरफ़ दावत देना थे लिहाजा उन्होंने अपने वालद और कौम की बुतप्रस्ती को छोड़ कर एक रब की दावत की एक रब की तरफ लोगों को दावत दी और उसकी वजह से वो उन्हें हिजरत करना पड़ी और उन्होंने हर तरह के दलाइल के साथ लोगों को समझाया लेकिन वो अंधेरों से ना निकले क्यों ना निकले इसलिए कि वो तागूत को मानते थे तो जो तागूत की परस्तिश करते हो तो तागूत उन्हें रोशनियों से अंधेरे की तरफ ले जाते वाज दलाइल रोशनियाँ देखने के बावजूद भी क्या किया उन्होंने अंधेरों में रहना पसंद किया तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इससे महफूज रखे एक और मिसाल यह उस शख्स की तरह जो एक ऐसी बस्ती पर गुजरा जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी कहने लगा इसकी बुर्दा इसकी बर्बादी के बाद अल्लाह इस बस्ती को किस तरह जिंदा करेगा तो अल्लाह ने उसे भी सौ साल तक मौत दे दी फिर उसे जिंदा करके उठा खड़ा किया और पूछा तुम कितना अरसा यहाँ ठहरे हो उसने कहा मैं एक दिन या उसका कुछ हिस्सा ठहरा हूँ फरमाया नहीं बल्कि तुम सौ साल ठहरे रहे हो बल्कि तुम तो सौ साल ठहरे हो तुम अपने खाने और पीने की चीजों को देखो जो अभी तक बासी नहीं हुई और अपने गधे को भी देखो और ये इसलिए किया ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें और हड्डियों की तरफ देखो हम किस तरह इन्हें जोड़ कर उठ हम किस तरह इन्हें उठा कर जोड़ते हैं फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं तो जब उसके लिए यह मामला खूब वाजे हो गया तो कहने लगा मैं जान गया हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है कमाल कुदरत वाला है उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी ना तवानी और बेबसी नहीं वो जो चाहे बिला तरद बिला रुकावट कर सकता है कोई उस पर गालिब नहीं आ सकता ना कोई उसको आजिज़ कर सकता है लिहाजा आप देखिए कि किस तरह अल्लाह ताला ने उस शख्स के शक को यकीन से बदल दिया उसके दिल में कहा बाज़ रवायात में आता है कि यह उज़ैराम थे बहरहाल कोई यानी कि इसमें हतमी बात नहीं कही जा सकती लेकिन मिसाल इस बात की दी जा रही है यहाँ किस तरह अल्लाह ताला ने उस शख्स को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ की रहनुमाई की कि उसके सामने वो सारा मंजर पेश कर दिया अपनी कुदरत और ताकत से किस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है और किस तरह उजड़ी हुई ये बस्तियाँ क़यामत के दिन इन में मरे हुए लोग सारे के सारे अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे और फिर एक तीसरी मिसाल और वो वक्त भी याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे रब मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा फरमाया क्या भला तुम ईमान नहीं रखते उसने कहा क्यों नहीं लेकिन इसलिए ताकि मेरा दिल मुतमिन हो जाए फरमाया तुम चार परिंदे ले लो फिर उन्हें अपने से मानूस कर लो फिर उनको जबा करके हर पहाड़ पर उनका एक हिस्सा रख दो फिर उन्हें बुलाओ वो सब तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे और जान लो कि बेशक अल्लाह बहुत ज़बरदस्त खूब हमत वाला है इब्राहीम सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे अल्लाह ताला के फ़रिश्ते और औरकाम उनके पास आते थे उनको मुर्दों के जी उठने में कोई शक नहीं था मगर उन्होंने उसे आँखों से देख लेना चाहा यकीन का मर्तबा हासिल करने की ख्वाहिश की इंसानी आदत है कि वो किसी चीज़ को जानने के बाद फिर उसे आँखों से देखना भी चाहता है और देख जो यकीन आता है वो सिर्फ सुनकर नहीं आता इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है अगरचे भी सुन के हासिल किया जाता है लेकिन जब आप उसको खुद अपनी आंखों से देखते हैं और पढ़ते हैं तो फिर उसमें और तरह का यकीन होता है चुनाच तो इब्राहीम सलाम ने इल्म यकीन के बाद एन यकीन का मरतबा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया और फिर अल्लाह सुबहान ते ख्वाहिश पूरी कर दी और किस तरह इब्राहिम सलाम के हाथों ही परिंदों को ज़बा करवा के उनकी रूह परवाज़ कर गई और उन्हें दूर दूर पहाड़ों क्योंकि पहाड़ जुड़े हुए थोड़े होते एक पहाड़ दूसरा तीस दूर दूर उनके गोश्त के टुकड़े मिक्स करके रख के और फिर कहा कि बुलाओ उनको जैसे तुम पहले बुलाते थे और वो सब दौड़ते हुए चले आए किस तरह अल्लाह की कुदरत के साथ क्योंकि अल्लाह अल अज़ीज़ है अल हकीम है वो हर चीज़ पर गालिब है इज़्ज़त वाला भी है और गलबे वाला भी है जो चाहे कर सकता है और वाला भी है कि हर चीज को सबसे बेहतर अंदाज में करता है उसकी जात और सिफात बे हैं और जैसा चाहे हुक्म दे और जिससे जो चाहे करवा ले अब जिनके अंदर ईमान पुख्ता हो जाता है तो फिर वो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हैं पीछे हमने ईमान वालों के लिए जो हुक्म पढ़ा वो क्या था कि अल्लाह के माल में से खर्च करो अब यहां इनफ़ाक़ फ़ी सभीाह के बारे में कुछ आयात आएँगी मसलुल्लीनफिकुना फ़ी सबीस हब्बिन अम्बत सब आसना बिल फीकुल्ली वल्लाम जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनके खर्च की मिसाल एक दाने की तरह है जिसने सात बालियाँ उगाईं मैंने सात शाखें निकली उसमें से जिसकी हर बाली में सौदाने हो और अल्लाह जिसके लिए चाहता है और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और अल्लाह वसत वाला खूब जानने वाला है यहाँ फिर सबील अल्लाह से मुराद अल्लाह का रास्ता यानी इस्लाम के रास्ते में दीन के रास्ते में दीन की तरक्की के लिए खैर भलाई को आम करने के लिए अपना माल खर्च करना मुराद है रसूल अल्लाह फरमाया जिसने अल्लाह की राह में कोई चीज़ ख़र्च की उसके लिए उसका सात सौ गुना लिखा जाता है छोटी सी मिसाल मसलन आप किसी को कोई एक कार्ड देते हैं कि ये पढ़ लो कोई इस्लाम के बारे में पैम्फलेट देते हैं कहीं बिल बोर्ड पर क़ुरान की कोई आयत लिखवा के लोगों में इस्लाम की तालीम को आम करते हैं ये सब क्या है फ़ी सभी यानी फ़ी सभी इस्लाम की तरक्की के लिए लोगों को दीन की तालीम देते हैं लोगों किताबें छपाते हैं किताबें बांटते हैं या इसी तरह को आजकल जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए दीन की तालीम को आम किया जा रहा है या इदारे बनाए जाते हैं या फिर इदारों की मेंटेनेंस होती है ये सारे काम किस लिए हैं किसी की ज़ात के लिए नहीं होते ये दीन की तबलीग के लिए दीन दीन को आम करने के लिए इस रास्ते में जब आप अपना माल खर्च करते हैं भले अपने ऊपर ही क्यों ना खर्च कर रहे हो मसलन आप यहाँ पर आते हैं अपनी गाड़ी में गैस डलवाते हैं तो अब जाहिर है कि आपको दुनिया का तो कोई फायदा हो नहीं रहा लेकिन आपने ये किस नीयत से खर्च किया अल्लाह के रास्ते में जाना है तो अल्लाह के रास्ते में जब आप खर्च करते हैं अपने पर या दूसरों पर तो ये अल्लाह सुबहान तजदीक नहायत पसंदीदा है और इसका अजर सात सौ गुना लिखा जाता है और जैसी चीज खर्च करता है इंसान वैसी ही क़यामत के दिन सात सौ गुना होकर मिलेगी अबू मसूद कहते हैं कि एक आदमी ने अल्लाह के रास्ते में एक ऊंटनी सदका की जिसकी नाक में नुकेल भी पड़ी हुई थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायामत के दिन यह सात सौ लेकर आएगा जिनकी नाक में नुकेल पड़ी होगी जो इसने दिया है सात सौ गुना बढ़ा कर इसको वापस लौटाया जाएगा लिहाजा क्योंकि आम तौर पर हम जब सदका खैरा करते हैं किसी भूखे को खाना खिला देते हैं किसी यतीम स्किन को स्पॉन्सर कर देते हैं कहीं भी इस्तेमाल कर लेकिन जब दीन के लिए देने की बारी आती है तो हमारा अमूमन ट्रेंड क्या होता है ये हमें मुफ्त मिल जाए ऐसा ही है ना सिपारे हमें मुफ्त मिल जाए हमारी से फीस ना ली जाए हमें हमसे किसी किस्म की डोनेशन का तकाजा ना किया जाए गुड ठीक है दीन का इल्म फ्री ही होना चाहिए लेकिन आखिर कोई तो खर्च करेगा जिसकी वजह से फ्री हो सकेगा और अगर सारे लोग सिर्फ लेने वाले हों और देने वाला कोई भी ना हो तो ये काम कैसे चल सकता है तो हर नेकी का अजर दस गुना होता है लेकिन दीन के रास्ते में खर्च करने का अजर दस से सात सौ गुना तक है <laughs> तुम मलायुन अमान फको मन्नम लहुम अजरुहम इंदरबिम वला, वला खौफन अलिम जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं और ना ही अजियत देते हैं उनके लिए उनके रब। उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि खर्च अल्लाह की रज़ा के लिए जब किया जाए तो किसी को भी देकर एहसान ना जताया जाए यानी किसी को ये ना किया जाए कि मैंने तो इतना यहाँ डोनेट किया है और मुझे तो कोई इज्जत नहीं दी जाती मुझे तो कोई किसी कुर्सी पर नहीं बिठाया जाता और इस तरह के मुख्तलिफ एहसान जताना कि मैंने बहुत कुछ किया और मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा ये रिटर्न आपने बंदों से नहीं लेना अल्लाह से लेना है लिहाजा उसको तो मैंशन भी नहीं करना इसीलिए आमतौर पर अलहुदा में क्या ट्रेंड है कि बॉक्सेस रख दिए जाते हैं कि जिनमें खामोशी से लोग डाल दें जो उनके और अल्लाह के बीच में राज हो और क़यामत के दिन वो उनके लिए वहीं से सब अल्लाह सुबहान हाथ से वो फिर कई गुना बढ़ा हुआ उसका अजर लें तो वो इज्जत जो वहाँ मिलेगी और वो रिवार्ड जो वहाँ मिलेगा वो यहाँ तो कोई भी नहीं दे सकता अगर आप दिखा के भी देंगे तो क्या होगा ज़्यादा लोग कहेंगे वाह भाई वाह बहुत खर्च करता है उसके बाद क्या होगा वो भूल जाएंगे और कुछ दिन के बाद आप भी भूल जाएंगे आगे के लिए कुछ भी नहीं रहेगा लिहाजा फीसले अपना वक्त दें या माल दें या सलाहियतें लगाएं या अपने औकात को वॉल्टियर करें ये सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें किसी पर एहसान न जताएं अच्छा एहसान बाजोक हम अपनी ज़बान से जताते हैं लेकिन बाज़त अपने मूड्स के ज़रिए अपने जैसर के ज़रिए अपने अपने रवैये के ज़रिए के वो उसमें हम खिंचा खिंचा रहना शुरू कर देते हैं जब हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो जाती है तो फिर हम आ, पीछे हटना शुरू हो जाते हैं हमारे अमल में इस्तेमत ख़त्म हो जाती है तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और खर्च करना चाहिए अल्लाह ही की खातिर और इसी तरह जब आप जैसे नबी अलैहि वसल्लम के पास अहबा थे चार सौ के करीब लोग थे जो महाजरीन में से या मुख्तलि कबाइल से आए थे जो मस्जिद नबी के बाहर एक चबूतरे पर रहते थे आज भी अगर आपको चार सौ लोगों को कहीं ठहराना पड़े कभी तो शादियों में मेहमानों को ठहराया होगा चार सौ लोगों को अपने पास ठहराना पड़े तो क्या हाल होगा फिर कितना चाहिए होगा अब होता क्या था कि अंसार के बाग़ा थे वो अपनी खजूरें वग़ैरह उतार के मस्जिद नबी के सहन में लटका के चले जाते थे तो ये जो सुफ़ा थे जो दिन रात वहाँ पर रहते थे वो उसमें से जिसको भूख लगती वो जा के कुछ खजूरें लेता और खा लेता वहाँ बड़ी बड़ी देगें कोई नहीं पकती थी वहाँ बड़े बड़े खाने नहीं खिलाए जाते थे वो लोग चंद खजूरों पर गुजारा कर लेते थे और कभी सारा सारा दिन भूखे रहते थे अबू अब हुरार यमन से हिजरत करके आए थे और आपको मालूम है कि इल्म हासिल करने की वजह से वो कोई काम काज नहीं कर सकते थे जिसके नतीजे में बाजुकत भूख के मारे वो बेहोश हो जाते थे उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था तो ऐसी सूरत में फिर साहबा कराम जो थे यानी जो मदीना के रहने वाले अंसार थे क्यों अंसार का दर्जा और रुतबा इतना बड़ा है क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दिल खोल के अपना सब कुछ खर्च किया अपने घर शेयर किए अपनी अपने बागात में काम पे लगाया लोगों को और भी बहुत कुछ बहुत तरह फैसिलिटेट किया तो ऐसे में इंसान चाहे कैश दे काइंड दे कुछ भी दे चाहे किसी बॉक्स में डाले या वैसे किसी तरह खर्च करे सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में वो यू तो ममून तमाम व यतीमम व असीरा और वह खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मस्किन और यतीम और कैदी को और कहते हैं हम तो सिर्फ़ तुम्हें अल्लाह के चेहरे की खातिर खिला रहे हैं न तुमसे कोई बदला चाहते हैं न शुक्रिया चाहते हैं तो किसी को भी कुछ देकर एहसान जतलाना या उसके मुकाबले में मज़ीद किसी चीज़ का मुतालबा करना यह फिर अमल को ज़ाया कर देता है नबी अलैहि वसल्लम को इब्तदाई वियों में ही बता दिया गया था वला तम नस्तर एहसान इसलिए ना करो किसी पर कि तुम तो उससे और ज़्यादा हासिल कर सको यानी बात हम उस पर एहसान करते हैं जिससे हमें कोई बेनिफिट हो और उस पर एहसान नहीं करते जो हकीकतमंद हो लेकिन उससे हमें कोई बेनिफिट हासिल ना होता हो तो किसी को कुछ दे के एहसान जतलाना कबीरा गुना है अब उज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल वम ने फरमाया तीन आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताली उनसे क्यामत के दिन कलाम नहीं करेगा ना उनकी तरफ़ देखेगा ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए अजाब अलीम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार ये बात फरमाई अबू ज़र ने अर्ज किया वो तो नाकाम और नामुराद हो गई या रसूल अल्लाह वो है कौन आपने फरमाया कपड़ा लटकाने वाला इन तकबर की खातिर कपड़ा नीचे लटका के चले जमीन पर रोलता हुआ है एहसान जताने वाला और झूठी कसम के साथ अपना माल फरोख्त करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान जताने वाला माँ बाप का नाफरमान और आदि शराबी जन्नत में नहीं जाएंगे अल्लाह ताली हमें इन गुनाहों से महफूज रखे अच्छी बात करना और दरगुजर कर देना उस सदक़े से बहुत बेहतर है जिसके बाद अजियत दी जाए और अल्लाह बहुत बेनियाज बेहद बुरदबार है यानी अगर कोई सदका नहीं कर सकता तो अच्छे अल्फाज से माजरत कर ले साइल के इसरार पर बदतमीज़ी और गुस्सा ना करे और दरगुजर से काम ले क्योंकि अल्लाह सुबहान तना बुरदबार है गनी है हलीम है लिहाजा हमें भी लोगों के साथ अच्छा मामला ही करना चाहिए चाहे उनके रवैये हमें पसंद ना भी आए क्योंकि कुशादा चेहरे से मिलना भी सदका है भली बात करना भी सदका है अलकल मतबत सदका और भली बात करना आग से बचाव का जरिया है या आमनू ला आमन लातुबिलु सदका वल अदा। ए लोग ईमान लाए हो अपने सदक़ात को एहसान जताकर और अजियत देकर जाया मत करो उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और अल्लाह और योम आखरत पर ईमान नहीं रखता तो उसकी मिसाल साफ चटान की तरह है जिस पर मट्टी हो फिर उस पर तेज बारिश पड़े तो वह उसको साफ चटान की तरह छोड़ दे और जो कुछ उन्होंने कमाया उसमें से किसी चीज पर भी ये कुदरत नहीं पाएंगे और अल्लाह गफ्र करने वालों को हिदायत नहीं देता मदीना में मुनाफिक भी थे बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन वो अपना माल रियाकारी करते हुए खर्च करते थे दिखावे दिखावा करके खर्च करते थे ताकि लोगों की नज़रों में जच जाएं, लोगों की नज़रों में बड़े बन जाएं, अच्छे बन जाएं। तो इससे ईमान वालों को मना कर दिया गया कि किसी को सदका देने के बाद उस पर एक तो एहसान नहीं जताओ तकलीफ़ नहीं दो और इसी तरह उस मुनाफिक की तरह अपने अमाल को ज़ाया ना करो जो सिर्फ़ दिखावे के लिए अपना माल खर्च करता है और उसका अल्लाह ताला और तोम आख़रत पर ईमान नहीं वो शुरू में पढ़ा था हमने ना या कि व मिनन्ना सिमय यक़ूल व अमन्ना बिल्ला व बिल ल आखिर व माँ हम बेमोमिन कुछ लोग कहते हैं हम ईमान लाए लेकिन वो होते नहीं हैं मोमिन तो ये उनकी अलामत हैं क्योंकि जिसको आख़रत में मिलने का रिवॉर्ड वापस यानी जिसको आख़रत में बदला मिलने का यकीन हो उसे दिखावे का शौक़ नहीं रहता उसको लोगों को दिखा के मज़ा भी नहीं आता कुछ लोग होते हैं तारीफ़ के भूखे होते हैं हम ऐसा काम करें कि लोग बस हमारी वाह वाह करते रहे यह भी एक खन्नास होता है जो जहन में भर जाता है इससे भी बाहर निकलना चाहिए हमें हमारी असल तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह की निगाह में काबिल कबूल है या नहीं तो यहाँ एक मिसाल दी गई कि जिस तरह एक रियाकार बज़ाहिर खर्च नजर करता नज़र आता है लेकिन हकीकत में उसकी मिसाल साफ चटान की सी है जिसपे थोड़ी सी मट्टी जमी हो तो रा तनवीन जो है तकलील के लिए है और देखने वाला उसे काबिल काश्त ख्याल करे लेकिन जो ही बारिश हो तो सारी मट्टी धुल जाए और पत्थर का पत्थर बाहर रह जाए तो इसी तरह रिकार अपने आमाल आमद के दिन अपने नामा यामाल में देख नहीं पाएंगे सब मिट चुके होंगे तो ऊपर की आयत मुखलिस मोमिन के सदका खैरा की मिसाल थी जो सिर्फ़ रज़ा इलाही के लिए खर्च करता है और ये मिसाल मुनाफिक की है रियाकार की है जिसको जिसका ईमानी नहीं फिर फरमाया और जो लोग अपना माल और जो लोग अपने माल अल्लाह की रजामंदी चाहने और अपने दिलों के जमाव के साथ खर्च करते हैं पूरे इतमान के साथ शर सदर के साथ दिल की दिल के सुकून और ख़ुशी के साथ उनकी मिसाल उस बाग की तरह है जो ऊंची जगह पर हो जिस पर तेज बारिश बरसे तो वो अपना फल दुगना लाए फिर अगर उस पर तेज बारिश ना भी बरसे तो फुहारी काफी है और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है अब यहाँ रियाकारों के मुकाबले में मुखलिस अहले ईमान की मिसाल दी गई है कि उनके अंदर ईमान भी होता है तस्वीर कल भी होती है और उनके खर्च करने की मिसाल उस बाग की सी है जो किसी फजा और बुलंद मकाम पर हो अगर उस पर ज़ोर की बारिश हो तो दूसरे बागों से दुगना फल लाता है अगर जोर की बारिश ना भी हो तो हल्की बारिश ही काफ़ी है यही हालत मोमिन के अमल की है वो किसी सूरत में ज़ाया नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला उसे कबूल करता है जोर का जोर की बारिश से मुराद ज़्यादा माल खर्च करना और तल यानी शबनम से मुराद थोड़ा माल खर्च करना अगर नीयत दुरुस्त है तो ज्यादा खर्च करना ज्यादा सवाब का बायस है और थोड़ा खर्च करना भी काम आ जाता है जैसे साफ सुथरी जमीन पर बाग हो जितना भी बरसेगा उतना ही फायदा ज्यादा होगा वरना थोड़ा भी हो तो बाग को काफी हो जाएगा तो नीयत अगर दुरुस्त नहीं तो बड़े से बड़ा ढेर भी माल का खर्च कर दें तो कुछ फायदा नहीं तो अल्लाह तआला सिर्फ खालिस अमल ही कबूल करता है हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए लोगो अपने अमाल को अल्लाह के लिए ख़ालस करो क्योंकि अल्लाह जबल्ला उसी अमल को कबूल करता है जो ख़ालिस उसी के लिए किया जाए अब देखें कि आमद के दिन क्या हसरत होगी लोगों को जब उनके अमाल उन्हें दिखाए जाएंगे कि ये अमल थे जो तुमने लोगों के लिए किए थे अल्लाह से वहन ताँ इनका कोई अजर आज तुम्हारे पास नहीं है तुम्हारे लिए नहीं है उस वक्त इंसान का हाल क्या होगा कि ये मैंने किया था ये मैंने दिया था लेकिन इस पर आज मेरे लिए कुछ भी अचर नहीं हाँ कुछ भी नहीं ये सब ज़ाया रद्दी बेकार कंडम अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं आया कि, कि अल्लाह के लिए था ही नहीं कितना बड़ा धोखा है कि इंसान उस बात पे खुश होता है जिस पे लोग खुश हों और वो काम नहीं करता जिससे अल्लाह राजी हो तो उस दिन से बचना उस दिन के उस उस दिन का जो अदल है अल्लाह का उससे डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि किया कराया ज़ाया हो जाए पानी फिर जाए लिहाजा दुआ भी करते रहना चाहिए कि या अल्लाह अगर मुझसे ऐसी गलतियाँ हुई हैं तो तू माफ़ कर दे और मेरे वो अमाल री इंस्टेट हो जाएं दोबारा वापस आ जाएं अल्लाह वो सब तेरे लिए जो हो चुका तो हो चुका तू तो मुझे माफ कर दे और आइंदा के लिए तोफ़ी काता कर दे फिर फरमाया क्या तुम में से कोई ये चाहेगा कि उसका खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों उसके लिए उसमें हर तरह के फल हों और इसी हाल में उसको बुढ़ापा आ पहुंचे, और उसके बच्चे अभी कमजोर हों तो अचानक उस पर एक बगोला आ पड़े जिसमें आग भरी हुई हो तो वह जल कर राख हो जाए इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर वफ़िक्र करो बुढ़ापे में इंसान कमज़ोर हो जाता है अमल के काबिल नहीं रहता ना ख़ुद इतनी ताकत होती है कि काम कर सके जैसे बाग दोबारा लगा सके जो जल जाए और ना ही फिर किसी से भी काम करवा सकता है किसी से काम लेने के लिए भी इंसान को स्ट्रांग होना पड़ता है लिहाजा क़्यामत के दिन मुनाफ़िक का यही हाल होगा कि जो सदका खैर उसने रियाकारी से किया होगा और उसके अजर की उस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो सब कुछ जाया हो चुका होगा और अब मज़ीद नेकियाँ करने का वक्त भी नहीं रहेगा सही बुखारी में अबने अब्बास कहते हैं कि ये मिसाल उस शख्स की है जो उम्र भर नेक अमल करता रहे लेकिन आखिर उम्र में उसकी सीरत बदल जाए सारी जिंदगी अच्छे काम की लेकिन आखिरी उम्र में छोड़ दिए और नेक अमल की बजाय बुरे अमल करने लगे इस तरह वो अपनी पहली नेकियां भी बर्बाद कर लेता है और क़यामत के दिन जो बहुत तंगी का वक्त होगा वो नेकी उसके कुछ काम ना आएगी और उस नाजुक वक्त में उसका अमल उससे ख़यानत करेगा अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे बहुत ही डराने वाली बात है मैं सोच रही थी नयात को पढ़ते हुए अल्लाह अल्ला ने किसी और अमल के बारे में इतनी तफसील से नहीं बताया जितना सदका खैरात के बारे में बताया कि क्या कबूल होगा और क्या नहीं होगा और किस तरह करो और क्या करो कितनी तफसीली इंस्ट्रक्शन है फिर फरमाया लोगो जो ईमान लाए हो उन पाकिजा चीजों में से खर्च करो जो तुमने कमाई हैं और उनमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाली हैं और जो तुम खर्च करते हो उसमें से खराब चीज देने का इरादा ना करो जबकि तुम खुद उसको लेने वाले नहीं मगर यह कि तुम इस बारे में चश्मपोशी कर जाओ और जान लो कि बेशक अल्लाह बहुत बेनियाज बहुत तारीफ वाला है कबूलियत सदका की एक और शर्त है यहाँ कि चीज जो दी जा रही है वो उमदा हो तयब हो अगर कोई शख्स रद्दी चीज देगा तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी इसलिए हमेशा बाजूत ऐसे होते हैं ना कि लोग कैश की बजाय काइंड में डोनेशन मांगते हैं लोग अपने फटे पुराने गंदे मंदे कपड़े उठा के ले जा के इस्लामिक सेंटर्स में रख देते हैं ढेर बना के कोई और शायद उनके लिए धो देगा और उसको साफ कर देगा और बास कपड़े तो ऐसी हालत तो में निकलते हैं कि इंसान उनकी स्मेल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता ये अल्लाह के रास्ते में हम दे रहे हैं आपको पता है सदका किसी इंसान तक पहुंचने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताली आन जो सदक़े में चीज़ देती थी उसको खुशबू लगा के देती थी उम्दा तरीके से दें हम जब इंसानों को कोई गिफ्ट देते हैं तो इतनी ज़बरदस्त पैकिंग कर कर के क्योंकि उससे मकसूद हमारा इंसानों को खुश करना होता है चाहे अंदर चीज़ किसी काम की ना हो लेकिन पैकिंग व खूब करेंगे अल्लाह को जब कोई चीज़ देनी हो तो हमारा हाल क्या होता है बस जो चीज जो चीज़ अपने काम की नहीं वो बस बेकार समझ के दूसरे को दे दो जी और गार्बेज बैग में डाल के देते हैं जैसे गार्बेज घर के बाहर रखते हैं ऐसे ही फिर सभी किसी मस्जिद में जाके रखाते और बाजुकत अफसोस होता है कि लोगों ने मस्जिदों को डम्प एरिया बनाया हुआ है जो फटे पुराने कुरान में जीत होते हैं जो रद्दी होती है जो किताबें पढ़ के अब काम नहीं की, काम की नहीं रही घर में अच्छी नहीं लग रही वो उठा के सारी जाके दे दो वो सम, वो जाने उनका काम जाने बस वो है ना इस काम के लिए कि जो लोगों की रद्दी को साफ करते रहे हम दीन के साथ क्या मजाक कर रहे हैं क्या क्यामत के दिन यही चीजें वसूल करेंगे अल्लाह ताला से हम जाकर बराए बरायबन आजब कहते हैं ये आयत हम अंसार के बारे में उतरी हम खजूरों वाले थे हर आदमी अपने दरख्तों में से ज़्यादा या कम दरख्तों के मुताबिक लेकर आता कोई आदमी एक खोशा कोई दो खोशे लाकर मस्जिद में लटका देता अहले सुफा के पास खाने को कुछ ना होता तो उनमें से जब किसी को भूख लगती वो खोशे के पास आकर अपने असा से ज़रब लगाता और उसमें से नीम पुख्ता और पुख्ता को अगर पड़ जो गिर पड़ती उनको उठा के खा लेता कुछ लोग जिन्हें नेकी की नेकी में रगबत ना थी वो निकम् और रद्दी खोशे लेकर आते और ऐसे होशे भी जो टूटे हुए होते उन्हें लटका देते तो अल्लाह ने यह आयत नाजिल कर दी कि तुम वो दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो और जो अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरे को भी मत दो बरा कहते हैं इस आयत के बाद हम में से हर एक अपनी सबसे उम्दा चीज़ लेकर आता हमने भी आयत सुन ली है और आज के बाद हमने भी क्या करना है अल्लाह के रास्ते में जो देना है उम्दा और अच्छा ही देना है वरना अल्लाह को हमारे इन सदक़ात की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अल्लाह अलगनी है वो सारी मखलूक से बेनियाज है सब उसी के मोहताज हैं शैतान तुम्हें मुफलसी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है और अल्लाह वसत वाला खूब जानने वाला है यहाँ शैतान के वसवसे से होशियार रहने की तलकिन की जा रही है क्योंकि इंसान जब सदका करना चाहता है तो शैतान आड़े आ जाता है दिल में वहम और वसवसे पैदा करता है कि अगर तुम नेक कामों में ख़र्च करोगे तो फ़कीर हो जाओगे और फिर शर्मनाक बखल की तरगीब देता है और उकसाता रहता है तो शैतान के वसवसे के बिलमक़ाबिल ख़र्च करने वालों से अल्लाह का वादा है कि अल्लाह सुबहान तआला के रास्ते में जब दोगे तो तुम्हें कई गुना ज़्यादा मिलेगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हर रोज़ जब बंदे सुबह करते हैं तो दो फ़रिश्ते नाजिल होते हैं उनमें से एक दुआ करता है अल्लाह ख़र्च करने वाले को इसकी जगह और दे दे ये दुआ मिलती है आपको कहाँ से किसकी दुआ फरिश्तों की जो मासूम है जिन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया कि अल्लाह जो दे रहे ना उसको और दे और दूसरा बद दुआ करता है ए अल्लाह हाथ रोकने वाले के माल को तल्फ कर दे ऐसी जगह खर्च हो फिर उसका कोई फ़ायदा ना हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका माल को कुछ भी कम नहीं करता कम नहीं होता जो तुम्हारी किस्मत का और आएगा बरकत होगी लेकिन इस सब के लिए हिकमत चाहिए ना ताकि सही फैसला कर सकें फरमाया युतिल हिकमत मैशा व युतल हिकमत फ़कद ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब वो जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसको हिकमत अता की गई तो यकीन उसे बहुत ज्यादा खैर से नवाज दिया गया और नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक़ल वाले हैं से मुराद सही फ़ैसला करने की सलाहियत है और इससे मुराद दीन का फहम इल्म और फिक्र सही बसीरत भी लिया गया है और हमत से मुराद नबी सल आसम की सुन्नत भी ली गई है क्योंकि आपकी बातें हमत पर मबनी होती थी विजडम वाली होती थी काबिल रश्क है वह इंसान जिसको अल्ला दे दे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रश्क दो ख़ूबियों के सिवा किसी पर जायज़ नहीं एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल दिया फिर वो उसे हक़ के रास्ते में ख़र्च करने की और उसे हक़ के रास्ते में खर्च करने की मुकम्मल कुदरत यानी तौफीक भी दी और एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने हमत अदा की तो वो उसके मुताबिक फ़ैसले करता है और दूसरों को उसकी तालीम देता है तो ये सिर्फ़ सदक़ात के बारे में सही फ़ैसले नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में और जो कुछ भी तुमने खर्च किया हो या कोई नज़र मानी हो तो यकीन अल्लाह उसको जानता है और जालिमों के लिए कोई मददगार न होगा याद ये याद दहानी करा दी गई जो कर रहे हो ना चाहे नज़र मानते हो या सदका करते हो अल्लाह को पता है नज़र क्या होती है अपने ऊपर वो चीज़ फ़र्ज़ कर लेना जो असल में फ़र्ज़ नहीं थी मसला कोई नफल नमाज़ या रोज़ा या सदका या हज या उम्रा वगैरह एक नज़र होती है नज़र मुतलक और दूसरी होती है मुअल्लक मुतलक यह है कि कोई शर्त लगाए बग़ैर सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने ऊपर किसी नेकी को लाजम कर लेना कि मसलन मैं अल्लाह को खुश करने के लिए आइंदा से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगा या उम्रा करूँगा ये नज़र अल्लाह ताला को बहुत महबूब है कि आप एक कमिटमेंट कर रहे हैं किसी नफल काम की फ़र्ज तो अदा करना ही है किसी नफली काम की कमिटमेंट करी है आपने इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है आपको दूसरी नज़र मुअल्लक है इसी शर्त के साथ नज़र अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं फ़लाँ नेकी करूंगा वैसे सदका का करूँगा या नफल पढ़ूंगा यह नज़र अल्लाह ताला को पसंद नहीं क्योंकि अल्लाह ताला आदमी की शर्त से मु, मुस्तगना है वो इसकी वजह से उसकी मुराद बर नहीं लाएगा कि कोई मेरे साथ डील कर रहा है कि अगर आप मुझे ये दे देंगे तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा इतनी अजीब बात है ना अल्लाह से शर्तें लगाना रसूल अल्लाह सल्ला ने फ़रमाया नजर ना माना करेगी ऐसी नज़र नहीं माननी चाहिए कि नज़र तकदीर में तय शुदा कामों में कुछ फ़ायदा नहीं देती सिर्फ इतना होता है कि बकील से माल निकल आता है नज़र की वजह से तकदीर नहीं बदलती लेकिन जो अल्लाह की खातिर कोई नज़र माने कोई कमिटमेंट करे कि वो अल्लाह की इतात करेगा तो उसे चाहिए कि वह उसकी इतात करे और जिसने यह नज़र मानी हो कि वह उसकी नाफरमानी करेगा तो वो नज़र तोड़ दे वह ना माने वो ना करे फिर फरमाया, अगर तुम सदक़ात को जाहिर करो तो क्या ही अच्छा है और अगर तुम उन्हें छुपाओ और उन्हें फुक को दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है और इसके बदले वो तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाख़बर है यहाँ छुपा पहले छुपे सद, हुए सदक़ात की बात हो रही थी ना तो यहाँ एलानिया सदक़े की भी इजाज़त दी जा रही है और उसकी तरगीब भी दी जा रही है कि यह भी अच्छी बात है बशर्ते कि नीयत खालिस हो रियाकारी ना हो क्योंकि इससे इंसान बुखल की तोहमत से बचता है कि फ़लां तो बड़ा ही बकीला कभी कुछ नहीं दिया उसने तो अब दिखा के देने वालों की मिसाल में हज़रत उमर रजी अल्लाह उन्होंने जिन्होंने तबू के मौके पर क्या किया था अपने घर का आधा सामान दिया था और अब बकर रजी रजील ने पूरा घर दे दिया था अब यह दिखा के दिया है इससे हमें हमेशा मोटिवेशन मिलती है ना तो जब इंसान बाजुकात अपने नफ्स को कंट्रोल करके दिखा के भी देता है तो वो दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल बन जाती है एक दफ़ा मैं कहीं लेक्चर दे रही थी तो किसी ने कहा कि ये मुझे ये कुछ पैसे गिने हुए गिरे हुए मिले हैं तो मैंने कहा चले मैं अनाउंस कर देती हूँ मैंने जब अनाउंस करना शुरू किया लोगों ने मेरी बात तवज्जो से नहीं सुनी और मैंने वो पैसे रख दिए लोगों ने ला ला के उसके ऊपर और पैसे रख दिए कि शायद ये डोनेशन तो बाक़त ऐसा भी होता है कि वो दिखा के इंसान बात कोई कर रहा था लोग समझते हैं कि शायद ये पैसे दिखा के पैसे मांग रहे हैं ना तो बहरहाल पोशीदा तो दिखा के देने का एक फ़ायदा होता है कि दूसरे कहते हैं अच्छा इसने इतना दे दिया मैं इससे भी ज़्यादा दूंगी हु? तो पोशीदा सद का एक गवाह भी है हु? और यानी लोगों जब कोई फौत हो जाता है ना आमतौर पर लोग जो गवाहियाँ देते हैं उसके हक में उसमें तौर पर बच्चे या हमारी वालदा या वालिद बस देने वाले थे हर एक को देते ही रहते थे उनको देने का बड़ा शौक़ था तो फिर औलाद भी उनके नक्शे कदम पर चलती है और उनके मरने के बाद उनकी तरफ से भी देती है सदका जारिया तो बहरहाल यहाँ दो तरीके बताए गए ऐलानिया सदका देना और छुपा के देना अल्लाह ताला ने दोनों को अच्छा करार दिया है लेकिन छुपा के देना बहरहाल सेफ साइड है कि इंसान के अंदर कोई तकबर वो आ, कोई रियाकारी ना आ जाए या तकबर ना आ जाए और जो छुपा के और दिखा के दोनों तरह देते हैं नीयत खालिस के साथ वो ऐसी तजारत की उम्मीद रखते हैं जिसे कभी भी बर्बादी नहीं व अनफ़ु मम्म रजना हम सर व अलानिया यर्जुन तजारत तबूर ज्यामत के दिन सात लोग अच्छे इलाही के साय तले होंगे उनमें से एक वो कि जिसके दाएँ हाथ ने दिया और बाएँ को ख़बर ही नहीं क्या दिया और मखबी सदका रब के गज़ब को बिझाने का ज़रिया है, कबर की गर्मी को दूर करने का ज़रिया है जब आप दे रहे हो ना खामोशी से किसी बॉक्स में डाल रहे हों तो फिर दुआ भी किया कर अल्लाह, इससे मेरी कबर की आग ठंडी कर देना और अल्लाह अल-खबीर है यानी उससे कोई भी ख़बर पोशीदा नहीं हर चीज़ को जानता है हर हरकत हर सुकून हर इसराब हर इतमान को खूब खबर है खबीर उसको कहते हैं जो चीज़ों की भी खबर रखता हो फिर फरमाया इन्हें हिदायत देना आपके जिम्मा नहीं लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जो माल तुम खर्च करते हो तो वो तुम्हारी अपनी ज़ात के फायदे के लिए है और तुम तो सिर्फ अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए ही खर्च करते हो और माल में से जो भी तुम खर्च करते हो वो तुम्हें पूरा पूरा वापस दे दिया जाएगा और तुम जुल्म ना किए जाओगे ये सब कुछ हम सिर्फ आगे डिपॉजिट कर रहे होते हैं अपने लिए आगे भेज रहे होते हैं कुछ भी किसी और के पास नहीं जाएगा वापस आपको मिलेगा अगर कोई आपसे कहे कि मुझे फलांत चीज़ दो मैं तुम्हें वापस देती हूँ तो आप देंगे या नहीं तो वापस ही मिल जानी है ना दो खुशी से दो तो ये जो कुछ अल्लाह के रास्ते हम दे रहे हैं वापस मिलना है इसलिए खुशी से दें और ख़ास तौर पर जिन लोगों को देना पसंद ना हो सहाबा जो थे वो अपने मुशरक रिश्तेदारों को देना पसंद नहीं करते थे तो उन्होंने फिर नबी सल वसम से पूछा तो आपने इजाज़त दे दी हज़रत हज़रतम को अपनी वालदा के साथ सिला रहमी की इजाज़त दी और फिर अब वो ख़ास जगह बताई गई है जहाँ सदक़ात करने चाहिए ये सदक़ात उन फ़करा के लिए हैं जो अल्लाह के रास्ते में घेर लिए गए जो ज़मीन में माश के लिए चलने फिरने की इस्तात नहीं रखते ना वाकिफ हाल इनके सवाल न करने की वजह से इन्हें मालदार समझता है आप उन्हें उनके चेहरे की अलामत से पहचान लेंगे वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते और माल में से जो भी तुम खर्च करते हो तो यक़ीन अल्लाह उसको खूब जानने वाला है बात यह है कि यहाँ उन महाजरीन की बात की जा रही है कि जिन्होंने हिजरत की थी अपने घरों में वो अच्छे भले थे लेकिन जब अल्लाह की खातिर अपने घर बार छोड़कर मदीना आ गए तो कंगाल हो गए तो अब मुसलमानों को ख़ास तलकिन की जा रही है कि जो लोग हम वक्ती कारकुन हैं दीन के रास्ते में अपने आप को वक्फ किए हुए हैं वो तुम्हारे माल के ज़्यादा हक़दार हैं और फिर मस्किन वो नहीं होता जिसे जो सवाल करता है और एक दो खजूरें कोई दे दे और असल मस्किन वो है जो सवाल से बचे कि सफ़ैद पोश है ज़रूरतमंद है ज़रूरत बताता नहीं ला यस अलून सलहाफ़ा लोगों से चिमट कर इसरार करके पीछे पड़ के नहीं बताया बताएगा किसको देना है कैसे देना है अब ये बताएगा किस वक्त देना है अल्लाह बिल्ली वियाहुम अजरुहम इंदरिम वला वो लोग जो अपने माल रात और दिन छुपे और खुले खर्च करते हैं तो उनके लिए उनका आजर उनके रब के पास है और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे आ रहा है रमज़ान मौका खर्च करने का दिन को भी और रात को भी दिन को रोजे की हालत में दौरा कुरान पे जाते हुए और रात को क़याम के लिए मस्जिद जाते हुए दोनों अवात खुले हैं सिर रन व अलानिया और दोनों तरह दे सकते हैं और इसका नतीजा आपको दुनिया में क्या मिलेगा खौफ और गम से निजात होगी दिल में अल्लाह की मोहब्बत भर जाएगी इसके मुकाबले में जिस चीज़ को शदीद कंडेम किया गया वो रिबाह है सूद है वो लोग जो सूद खाते हैं वो कयामत के दिन खड़े ना हो सकेंगे मगर जैसे वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने छू कर खपती बना दिया हो ये इस वजह से है कि वो कहते हैं कि बेशक तिजारत भी सूद की तरह है बेशक तिजारत भी सूद ही की तरह है हालांकि तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम तो जिसके पास उसके रब की तरफ से कोई नसीहत आ जाए और वो बाज आ जाए तो जो पहले हो चुका है वो उसी का है और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है और जो कोई सूद की तरफ दोबारा लौट आए और जो कोई दोबारा लौट आए तो यही लोग आपके साथी हैं वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह तदक़ात को पसंद करता है लेकिन सूद को नापसंद करता है सूद क्या है? रिबा क्या रिबा का मतलब तो बढ़ना यानी किसी को अगर आपने कर्जा दिया है तो वापस उतनी अमाउंट लेने की बजाय उससे ज्यादा फिक्स करके लें तो जो फिक्स किया हुआ माल होता है वो रिबा शुमार होता है और यहाँ ईसाय से यह भी पता चलता है कि शैतान इंसान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है खसूस उसके दिमाग पे हमला आवर होता है उसे चौके मारता है गुस्सा दिलाता है इसीलिए मिन हमजात शैयातीन से पना मांगी गई है फिर इसी तरह शैतान इंसान को भुलवाता भी है हज़रत अयूब ने कहा था अन्य शैतान व अदाब। बेशक शैतान ने मुझे बड़ा दुख और तकलीफ़ पहुँचाई है यानी बाज बीमारियों का सबब भी शैतान बनता है और याद रखिए शायद में सूद के लिए वईद भी है जाबिर रज कहते हैं ने लानत फरमाई सूद खाने वाले पर सूद देने वाले पर सूद लिखने वाले पर और सूदी लेन देन के गवाहों पर और आपने फरमाया वो सब गुनाह में बराबर है फिर फरमाया व फरमायाबा वोबिस अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़त को बढ़ाता है और अल्लाह किसी भी नाशुक् सख्त गुनागार को पसंद नहीं करता

और सूद में से जो लोगों के ज़िम्मा बाकी रह गया हो उसे छोड़ दो अगर तुम वाकई मोमिन हो फिर अगर तुम ऐसा नहीं करते तो जान लो कि तुम्हारे लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एलान जंग है और अगर तुम तोबा कर लो तो तुम्हारे असल माल तुम्हारे लिए हैं न तुम करोगे और न तुम पर जुल्म किया जाएगा यानी अगर तुमने सूद ना छोड़ा तो अल्लाह और रसूल की तरफ से एलान जंग है ये वो वईद है जो किसी और जुर्म के बारे में नहीं दी गई इतने अल्फाज में फिर फरमाया और अगर वो मकरूज़ तंग दस्त हो तो आसानी तक मोहलत देना होगी और अगर तुम असल कर्ज यानी सदका कर दो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो यानी तंग दस्त को मोहलत दो या उसका कर्जा ही माफ़ कर दो क्योंकि जहलीत में कर्ज अदा ना करने की सूरत में सूद दर सूद से असल रकम में इजाफा होता जाता था बात थोड़ी सी रकम एक पहाड़ बन जाती थी जो असल माल होता था उससे कई गुना ज्यादा लौटाना पड़ता था और अदायगी नामुमकिन हो जाती तो मोहलत देने का अजर बहुत बड़ा है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्ज़ चुकाने की मदद तक उसे कर्ज के बराबर सदके का सवाब मिलेगा अगर आपने किसी को कर्ज दिया तो जब तक वो उसके पास है हर रोज आपके नामा अमाल में सदका लिखा जा रहा है उस अमाउंट का और अगर कर्ज चुकाने की मुद्दत के आने पर मोहलत दे तो उसे कर्ज से दुगना सदक़े का सवाब मिलेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने कर्जदार को मोहलत दी या कर्ज माफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपना साया अता फरमाएगा बतख यो मंतुर जाऊँ नफी और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे फिर हर शख्स को जो उसने कमाया पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा और वो जुल्म न किए जाएंगे अब कुरान मजीद की सबसे तवील लंबी आयत आ रही है आयत दैन या आमनु इला लोगो जो ईमान लाए हो जब तुम एक वक्त मुकर तक के लिए आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो और चाहिए कि लिखने वाला तुम्हारे दरमियान अदल के साथ लिखे और लिखने वाले को लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए जैसा कि अल्लाह ने उसे सिखाया है तो उसको लिखना चाहिए और इमला उस शख्स को करवानी चाहिए जिसके ज़िम्मा हक़ यानी कर्ज हो और उसे अल्लाह से डरना चाहिए जो उसका रब है और वो उसमें किसी भी चीज़ की कमी ना करे फिर अगर वो शख्स जिसके ज़िम्मा कर्ज यानी हक कर्ज़ यानी कर्ज हो और फिर अगर वो, फिर अगर वो शख़्स जिसके ज़िम्मा हक़ यानी कर्ज हो वह नासमझ या कमज़ोर हो या इमला करवाने की खुद इस्तात न रखता हो तो उसका वली अदल के साथ इमला करवाए और अपने मर्दों में से दो को गवाह बना लो फिर अगर दो मर्द न हो तो उन गवाहों में से जिन्हें तुम पसंद करते हो एक मर्द और दो औरतें गवाही दें सहूलत के लिए आसानी के लिए और दो औरतों का कहा गया कि अगर इन दोनों में से एक औरत भूल जाए तो उनमें से एक दूसरी को याद दहानी करा दे और गवाह जब गवाही देने के लिए बुलाए जाएँ तो वो इनकार न करें और कर्ज छोटा हो या बड़ा उसके मुकर वक्त तक के लिए उसकी दस्तावेज़ लिखने में तुम सुस्ती न करो ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाला है और गवाही देने के लिए ज़्यादा दुरुस्त है और ज़्यादा करीब है कि तुम फरीकैन यानी तुम लोग यानी फरीकैन शक में ना पड़ो मगर ये कि नक़ तजारत हो जिसका तुम आपस में लेन देन करते हो तो तुम तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि तुम उसको ना लिखो और जब तुम बाहम ख़रीदो फरोख्त करो तो एहतियातन गवाह मुकर कर लिया करो और दस्तावेज़ लिखने वाले और गवाही देने वाले को नुकसान न पहुँचाया जाए और अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीन ये तुम्हारी सख्त नाफरमानी होगी और अल्लाह से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है जब सूद को हराम किया गया, तो कर्ज का सही तरीका भी बयान कर दिया गया तो उसूली तौर पर तीन बातें अहम है इसमें एक ये कि जो कर्ज दिया जा रहा है वो लिखा जाए क्योंकि जब लोग लिखते नहीं तो बाद में भूल चूक की सूरत में फिर लड़ाई झगड़े होते हैं कतई ताल्लुकी हो जाती है रिश्ते तक खत्म हो जाते हैं दूसरे मुद्दत मुकर कर लेना डेड लाइन देना कि इस वक्त तक के लिए कर्ज है तीसरे गवाह बना लेना आमतौर पर लोग जब उधार या कर्ज देते हैं तो लिखने को मायूब समझते हैं और सब तो कहते हैं कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं हुँ? ये तो हाँ, कोई मसला नहीं ले जाओ हो जाएगा बाद में मामला उस वक़्त बड़ी खुश अख्लाक़ी से पेश आते हैं और फिर बाद में जब गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और अगली पिछली कसर निकाल दी जाती है तो जो अल्लाह ताला ने हमें तरीक़ा सिखा दिया है ये ज़्यादा मबनी बर इंसाफ़ है मबनी बर हमत है और ऐसे मामलों में इस ही करनी चाहिए ताकि आइंदा इंसान झगड़ों से बच सके और अगर तुम सफ़र में हो और कर्ज़ लेना चाहो और तुम्हें कोई दस्तावेज लिखने वाला ना मिले तो कोई चीज़ बतौर रहन कर्ज देने वाले को कब्जे में दे दी जाए फिर अगर तुम में से एक दूसरे पर एतबार करे और बग़ैर रहन रखे कर्ज दे दे तो वो मकरूज जो अमीन बनाया गया हो वो कर्ज़ देने वाले को उसकी अमानत यानी कर्ज अदा कर दे और उसे अल्लाह से डरना चाहिए जो उसका रब है और तुम गवाही को मत छुपाओ और जो कोई उसे छुपाएगा यकीनन उसका दिल गुनागार है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको खूब जानने वाला है लाही समावाद अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है और जो तुम्हारे दिलों में है तुम उसे जाहिर करो या उसे छुपाओ अल्लाह उस पर तुम्हारा मुहासबा करेगा फिर तो जिसे वो चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है तो इससे पता चलता है कि दिल के बाज़ अफाल पर भी मुहासबा होगा जिन पर इंसान का इख्तियार होता है मसला ईमान कुफर शिरक या किसी नेकी या बदी का पुख्ता इरादा करना और इस पर पकड़ भी हो सकती है मसलन एक शख्स ने पक्का इरादा किया कि चोरी करेगा हुँ? लेकिन उसको मौका नहीं मिला तो वो गुनाह पर लिख लिया जाएगा उसका मुहासबा होगा लेकिन जो ख्यालात ख़ुद ब खुद आ जाते हैं तो फिर उन पर पकड़ नहीं इसी तरह बुरे बुरे वसवसे जो हैं उन पर भी पकड़ नहीं फिर सूरत अबकरा कि आखिरी दो आयात कुरान मजीद की तवील तरीन सूरत मुकम्ल हो रही है आमन और रसूल बिमा हिम रबिही वमुमिन कुल आमन अबिल्हलाकति वतुबिही व रसुल रसूल उस पर ईमान लाया जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल किया गया और सारे मोमिन भी ये सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए वो कहते हैं हम उसके रसूलों में से किसी एक के दरमियान भी फ़र्क नहीं करते और उन्होंने कहा हमने सुना और हमने इतात की ऐ हमारे रब हम तेरी मगफिरत तलब करते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है लाकल्ल लहा वहा कसबत व अल्लाह किसी जान को उसकी वसत से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देता जो उसने नेकी कमाई वो उसी के फ़ायदे के लिए है जो उसने नेकी कमाई वो उसी के लिए है और जो उसने बुराई कमाई उसी के ज़िम्मे उसका नुकसान है ऐ हमारे रब अगर हम भूल जाएं या हम ख़ता करें तो हमारा मुआज़ा न करना हमें ना पकड़ना ऐ हमारे रब हम पर ऐसा बोझ न डालना जैसा तूने हमसे पहले लोगों पे डाला ऐ हमारे रब और तू हमसे वो बोझ ना उठवा जिसको उठाने की हम ताकत नहीं रखते और हमसे दर गुज़र फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा तू ही हमारा मौला है बस काफ़िर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा ये और इससे पहली आयत यानी आखिरी दो आयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम को मेराज के मौके पर सिदरतुल सिदरतलमतहा के पास अता फरमाई गई हदीस में इसकी बहुत फजीलत आई है इन आयत की फरमाया कि जो शख्स रात को अल बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ लें वह उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी और फिर

अबू उमामा रजिया कहते हैं कि रसुल्लाम ने फरमाया और आन को सीखो क्योंकि ये क्यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सफारिश करेगा चाहते हैं आप सफारिश तो इसको पढ़ा करें दो रोशन सूरते अल बकरा और सूरत आले इमरान को सीखो क्योंकि ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन साहिबानों की शक्ल या परिंदों की दो सफ़ बस्ता टोलियों की शक्ल में आएंगी और अपने पढ़ने वालों का दिफा करेंगी उनको प्रोटेक्ट हय्युल क़य्यूम अल्लाह उसके सिवा कोई माबूद नहीं वो हमेशा से जिंदा सब को कायम रखने वाला है ये दोनों नाम बहुत अहम नाम हैं। इन नामों के साथ जब अल्लाह ताला को पुकारा जाता है तो दुआएं कबूल होती हैं इन दोनों नामों से दुआ करनी चाहिए हज़रतनस कहते हैं कि मैं नबी अलैहि वसल्लम के साथ था कि एक आदमी ने दुआ की कहा बदी या बदी असमावा या हयू या क्यूम इन्नी असअलुक ए आसमानों को अदम से वजूद में लाने वाले ऐ ज़िंदा ऐ कायम रहने वाले मैं तुझसे सवाल करता हूँ तो आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है कि उसने किस चीज़ के साथ दुआ की कसम उस जात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है उसने अल्लाह को उसके उस नाम से पुकारा है कि जब इस जब इस नाम से उसको पुकारा जाता है तो वो कबूल फ़रमाता है तो या हैं या क्यूम बिरहमति का कह के अल्लाह को पुकार के फरियादें किया करें और खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई परेशान कुन मामला आ पड़ता तो ये दुआ का किया करते थे या है या कैम वहमती का अस्तगीस ए जिंदा और ए कायम रहने वाले तेरी रहमत के वसीले से फरियाद करता हूँ अल्लाह तो की रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है नज़ल आलईकल किताब उसने आप पर हक के साथ किताब नाजिल की जो उनकी तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले थी और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए और उसी ने फ़ुर्क़ान यानी कुरान नाजिल किया यकीनन जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया उनके लिए सख्त अजाब है और अल्लाह बहुत ज़बरदस्त और इंतकाम लेने वाला है किससे इंतकाम लेगा अपने मुजरमों से नाफ़रमानों से और यह अल्लाह फैली सिफ़त है बाद लोगों ने अल्लाह के नामों की जो लिस्ट बनाई उसमें अलमुनतम लिखा हुआ है मुंतिम अल्लाह का नाम नहीं है जिनताम उसकी सिफत है कि इंतकाम लेने वाला है इन अल्लाई उनफिल अर्दी समा। बेशक कोई चीज़ अल्लाह से छुपी हुई नहीं न ज़मीन में और ना आसमान ना आसमान में इससे क्या पता चलता है कि हमारे आमाल में से भी कुछ अल्लाह से छुपा हुआ नहीं कोई भी गुनाह करने लगे तो ऐसी जगह सोचें जहां आप अल्लाह की निगाह से छुप सकें है कोई जगह दुनिया में कहीं भी नहीं वही है जो रहमों में तुम्हारी सूरत मनाता है जिस तरह वो चाहता है उसके सिवा कोई माबूद नहीं बहुत ज़बरदस्त खूब हमत वाला है तो हमारी सूरतें किसने बनाई अल्लाह ने लिहाजा किसी की भी सूरत का मजाक ना बनाएं क्योंकि वो उसने खुद नहीं बनाई वो अल्लाह ने बनाई है लिहाजा किसी को देख के हंसे नहीं और कोई रेसिस्ट कमेंट पास नहीं करें और तबसरे नहीं करें कि फ़लाँ का नाक ऐसा फलाँ की आंखें चुन्नी फलाँ की होंठ ऐसे फलाँ का रंग ऐसा इन चीज़ इस बात पे तबसरा करना छोड़ दें इसको अपनी अपनी गुफ्तु से बिल्कुल आउट कर दें और अगर कोई और बात कर रहा हो तो उसको बिल्कुल इंक्रेज ना करें और सीरियसनेस का मुजाहरा करें कि तुम कर क्या रहे हो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो उस पर तुम तनकीद कर रहे हो उसके नक्स निकाल रहे हो अल्लाह ताली फ़रमाते हैं वबरक़ुम फ आसाना सवरकुम उसने तुम्हारी सूरत बनाई तो बहुत अच्छी बनाई वही है जिसने आप पर किताब नाजिल की जिसमें मुहकम यानी वाज आयात हैं जो किताब की असल यानी बुनियाद हैं और कुछ दूसरी मतशाबे हैं बस वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ है वो इसमें से फितने और मनमानी तावील की तलाश में मुतशाव आयात के पीछे लग जाते हैं हालांकि उनका हकीकी मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और जो इल्म में पुख्ता कार हैं वो कहते हैं हम इन पर ईमान लाए सब कुछ हमारे रब की तरफ से है और नसीहत तो सिर्फ अकल वाले ही हासिल करते हैं तो महकम आयात वो हैं जिनका मफहम बिल्कुल वाज और सरी होता है उसमें किसी तावील की गुंजाइश नहीं होती इसीलिए उनको उम्मुल किताब कहा गया यानी असल और बुनियाद इन आयात में अमूमा दीन के बुनियादी अक़ायद इबादात और अहकाम बयान किए गए हैं और कुछ नसीहतें और इबरते भी इनमें शामिल हैं मुतशाबात से मुराद वो आयात हैं जो मिलते जुलते कई मानी का इस्तेमाल रखती हैं और बात लोगों को उनको मुराद उनकी मुराद समझने में यानी शुभ हो जाता है या उसमें तावील की गुंजाइश निकल आती है तो ईमान तो सब आयात पर लाना चाहिए लेकिन मतशाब आयात की तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है उनको जानना ज़रूरी नहीं और ना हमारी अकल के लिए मुमकिन है रब अंतल वहाब ऐ हमारे रब हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा बेशक तू ही बहुत अता करने वाला है क्योंकि लोग मुतशाब आयात के पीछे पड़ कर गुमराह हो जाते हैं हमें गुमराह होने से बचाना हमारे दिल को दीन पर साबित कदमी अता करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुआ में से कसरत से मांगी जाने वाली दुआ क्या थी अल्ला मुशर्रफ अलकलूब शर्रफ़ क्लूबना अलाता और अल्ला दिन और फिर अल्लाह से रहमत मांगना अल्लाह की एक रहमत वो है जिसने उसने अपने मोमिनों को ख़ास किया है और वो ईमान की रहमत है मुत्तिन को जिसके साथ खास किया वो इतात बजा लाने की रहमत है अपने अलिया को जिसके साथ खास किया वो उनको विलायत अता करने की है और जिसने और जिसके साथ उसने अपने अम्बिया को खास किया वो नबूबत की है नबूबत के दर्जे तक पहुँच गए अल्लाह की रहमत से तो फिल इल्म दुआ क्या करते हैं वह लना मिल्ला दुन का रहमा हमें भी रहमत अता कर खास रहमत अता कर अंतल तो तू बहुत ज़्यादा अता करने वाला है तेरे इनाम तेरे अतियात बेहद वसी हैं तेरे एहसाना बेशुमार हैं तेरी सखावत सारी मखलूक से बेन्याज कर देती है ए हमारे रब यकी तो सब लोगों को ऐसे दिन में जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं बेशक अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके माल और औलाद उन्हें अल्लाह के मुकाबले में हरगिज काम ना आएंगे और यही वो लोग हैं जो आग का ईंधन है दुनिया में ऐसे लोग जो अल्लाह के इनकार के साथ बड़ी ऐशो इशरत के साथ जी रहे हैं उन पर रश्क न करें क्योंकि वो आखिरत में कुछ भी फायदा नहीं होगा उनको इस सब का इस दुनियावी शान और शौकत का इनका हाल भी आले फिरौन और उन लोगों की तरह है जो इनसे पहले थे उन सब ने हमारी आयात को झुटलाया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया और अल्लाह सख्त सजा देने वाला है और अल्लाह की सजा को वाजिब करने वाली चीज क्या है कुफर और तकबर जैसे फिरौन में था तो गुनाह जो है वो अल्लाह के अजाब के आने की वजह बन जाते हैं आप कुफर करने वालों से कह दीजिए कि अनकरी तुम भी मकलूब हो जाग आप कुफर करने वालों से कह दीजिए कि किनकरीब तुम भी मकलूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाओगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है यकीनन तुम्हारे लिए उन दो ग्रोहों में जो बदर के दिन आमने सामने हुए इबरत की एक निशानी है एक ग्रोह अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था जबकि दूसरा ग्रोह काफिर था वो उन्हें अपनी आंखों से अपने से दुगना देख रहे थे और अल्लाह अपनी मदद के साथ तईद करता है जिसकी वो चाहता है बेशक इसमें अहले बसरत के लिए भरपूर इबरत है तो हमें इसबाब की बजाय असबाब पर तवक्कुल करना चाहिए क्योंकि असल मदद अल्लाह की तरफ से आती है जैसे बदर के दिन मुसलमानों की मदद हुई जयन से शहवात लोगों के लिए नफसानी ख्वाहिशात की मोहब्बत मुज़य्यन कर दी गई जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए गए खजाने और निशानजदा घोड़े और मवेशी जानवर और खेतियाँ दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और अल्लाह ही है जिसके पास अच्छा ठिकाना है शहवात शहवत की जमा है जिसका मतलब होता है किसी पसंदीदा मरगूब चीज़ की तरफ नफ्स का खिंच जाना अट्रैक्ट हो जाना और यहाँ शहवात से मुराद वो चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब को मता कहा है मताह वो होता है जिससे थोड़ी देर के लिए फ़ायदा उठाया जाए तो ब... मुतवा इस चीज़ की तरह मुतवज़ करना मकसूद है कि इंसान इन चीज़ों की मोहब्बत में फंस कर अल्लाह के दीन से गाफिल ना हो जाए और इन्हें फख़्र और ज़ीनत का ज़रिया ना समझ बैठे गुरूर और तकबर पर ना उतर आए वरना अगर ये सारी चीज़ें भी इंसान के पास हों और इंसान इनको अल्लाह की नमत समझते हुए शुक्र अदा करे तो यह आखरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाएंगी यानी इसका ये मतलब नहीं कि यह चीज़ें नापसंदीदा हैं यह किसी के पास होनी नहीं चाहिए और इनसे महरूमी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है इनका होना भी खैर का बायस है अगर इनको खैर के रस्ते में इस्तेमाल किया जाए अब मसलन औरत को औरत के फितने को सबसे बड़ा फितना कहा गया आपने फरमाया मेरे बाद मर्दों के लिए कोई फितना औरतों से बढ़कर नुकसान नहीं लेकिन औरत ही को दुनिया की बेहतरीन मता करार दिया गया आपने फरमाया ये दुनिया मता है और उसकी बेहतरीन मता नेक औरत है तो इससे क्या पता चलता है कि नेक औरत नेक औरत बेहतरीन मता है लेकिन अगर उसकी वजह से किसी किसी औरत की वजह से मर्द बिगड़ रहा है तो वो उसके लिए हलाकत का बायस है तो इंसान के पास दुनिया हो लेकिन दुनिया में दिल ना हो दिल कहाँ हो आखिरत में हो इन चीज़ों को दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरत समझ कर इस्तेमाल किया जाए लेकिन सारी तो और ख़्वाहिशात और मोहब्बतें आखिरत के लिए हों और दुनिया की जीनत इस्तेमाल करने में दो लो, लोगों की दो किस्में होती हैं एक वो होते हैं जो इन चीज़ों को अपना मकसद ज़िंदगी बना लेते हैं हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरी दूसरी के बाद तीसरी और फिर उनके सारी एनर्जी इसी में इन्हीं चीज़ों के हसूल में लग जाती हैं लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को हासिल करते हैं हलाल जायज तरीके से और फिर इन सब चीजों को आखरत के हसूल का जरिया बना लेते हैं अल्लाह हमें इस दूसरी कैटेगरी में शामिल करे क्योंकि इसी माल और इसी औलाद और इन्हीं तमाम नमतों और सहूलतों के साथ इंसान दीन के बड़े बड़े काम कर सकता है अल्लाह की इबादत आसानी के साथ कर सकता है हज हाँ जुमरे कर सकता है खैर के बहुत से काम कर सकता है अपने लिए सदका जालिया के प्रोजेक्ट कर सकता है फिर फरमाया कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ की खबर न दू जिन लोगों ने तकवा अख्तियार किया उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जिनमें वो हमेशा रहने वाले हैं उनके लिए वहाँ उन और उनके लिए पाकिजा बीविया और अल्लाह की तरफ से रजामंदी है और उनके लिए पाकिजा बीविया और अल्लाह की तरफ से रजामंदी है और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है यहाँ कंपैरिजन करके बता दिया कि एक तरफ दुनिया में ये सब कुछ मिल गया तुम्हें लेकिन दूसरी तरफ आखिरत में जो कुछ है वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जन्नत में कोड़ा रखने की जगह भी दुनिया माफी माफिया से बेहतर है और उन सब चीज़ों से बेहतर क्या है अल्लाह की रजामंदी और रजबान लाकबर ये जन्नत की नमतों में से सबसे अफजल नमत है लिहाजा हमें हर नेक अमल के बाद ये फ़िक्र और ख़्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह आप इससे राज़ी हो जाएं الذين يقولون ربنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ये वो लोग हैं जो कहते हैं ऐ हमारे रब बेशक हम ईमान लाए तो हम तू हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा ले तो इससे क्या पता चलता है कि नेक अमल के वसीले से दुआ करनी चाहिए यहाँ वो ईमान का वास्ता देकर दुआ करें अल्लाह हम ईमान ले आए हैं अब आप हमें बख्श दे तो इस तरह हमें यानी इस तरह से भी दुआ कबूल होती है जैसे वो गार में फंसने वालों ने अपने नेक आमाल को वसीला बना के दुआ की थी कौन है ये नेक ईमान लाने वाले और इनके क्या है नेक आमाल बीरीन अवसादीन अवल कानी नवल मुनफी असहार जो सबर करने वाले और सच बोलने वाले और इतात करने वाले अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले और सहरी के अवात में इस्तवार करने वाले हैं अल्लाह हमें ये सारी सिफात अता कर दे। देक वो होते हैं जिनकी नीयतें भी सच्ची हों अमाल भी खड़े हों उनके दिल और ज़बानें मुस्तकीम हों छुपे हुए और एलानिया सब कामों में सच्चे हों फरमा बरदार हों रब के फरमा बरदार कानी तीन हों मतकी हो। वो हैं जो अल्लाह की दाद में जहाँ जहाँ अल्लाह ने जो करने का हुक्म दिया अल्लाह की खातिर करते हैं और रात का आखिरी हिस्सा क्यों अहम है नबी सल्लाम ने फरमाया जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह तसमान दुनिया पर नजूल करते हैं और फरमाते हैं मैं बादशाह हूँ मैं बादशाह हूँ कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल कर लूँ कौन है जो मुझसे सवाल करे कि मैं उसे अता कर दूँ कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूँ बस मुसलसल तुलजर तक ऐसे ही होता रहता है लिहाजा उस वक्त से फ़ायदा उठाना है शाहिद्लामला आजीज़ुलहम अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई मबूद नहीं और फ़रिश्तों और अहल इल्म ने भी और यह कि वह इंसाफ़ पर क़ायम है उसके सिवा कोई मबूद नहीं बहुत ज़बरदस्त खूब हमत वाला है और हम सब की भी यही गवाही है इन दीना इस्लाम। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन तो इस्लाम ही है और अहल किताब ने इल्म आ जाने के बाद महज बाहमी ज़िद की बिना पे इख्त किया और जो अल्लाह की आयात का इनकार करे तो यक़ीनन अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है याद रखिए अल्लाह ने जितने भी अम्बिया भेजे सब का दीन इस्लाम था और अहल किताब ने हकीकत जान ली कि नबी वसल्लम जो दीन पेश कर रहे हैं वो इस्लाम ही है और आप अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं लेकिन हसद बुख्त और इनाद की बिना पर उन्होंने इससे इहराफ कर लिया फिर अगर वो आपसे झगड़ा करें तो आप कह दीजिए कि मैंने अपना चेहरा अल्लाह के सपुर्द कर दिया और उसने भी जिसने मेरी पैरवी की और अहल किताब और उम्मी इन अनपढ़ लोगों से पूछिए कि क्या तुम इस्लाम लाते हो फिर अगर वह इस्लाम ले आएँ तो यकीन वह हिदायत पा गए और अगर वो मुंह मोड़ जाएँ तो बेशक आपके ज़िम्मा सिर्फ पहुंचा देना है और अल्लाह बंदों को ख़ूब देखने वाला है यानी फिर वो ख़ुद उनसे निपट लेगा बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और लोगों में से जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उन्हें भी कत्ल कर देते हैं तो आप उन्हें दर्दनाक असाब की खुशखबरी दे दीजिए यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए और उनके लिए कोई भी मददगार ना होगा ये बहुत बड़ा जुर्म है जो आमाल को भी बर्बाद कर देता है क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो किताब का कुछ हिस्सा दिए गए जो किताब का कुछ हिस्सा दिए गए थे वो बाहमी झगड़ों में फैसले के लिए किताबुल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो इनके दरमियान फैसला करे फिर इनमें से एक ग्रोह मुंह फेर लेता है और वो है ही रूगर्दानी करने वाले ये इस वजह से है कि वो कहते हैं हमें च, वो कहते हैं कि हमें चंद गिने हुए दिनों के सिवा आग हरगिज़ न छुएगी और उन्हें उनके दीन के बारे में इन बातों ने धोखे में मुबतला कर रखा है जो वो खुद घटते हैं खुद साख्ता दीन बना रखा है खुद फरेबी फिर क्या हाल होगा जब हम उन्हें ऐसे दिन में जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं और हर शख्स को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा और उन पर जुल्म न किया जाएगा मालिकल मुल्क तो तिलमलक मंतशा व मुल्क कम मंतशा व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो जिल्लुमंतशा बेहद कल खैर इन न कलाकुल्लिशीन कदीर कह दीजिए ए अल्लाह सारी बादशाहत के मालिक जिसे तू चाहता है बादशाह अदा करता है और जिससे तू चाहता है बादशाह छीन लेता है और जिससे तू चाहता है इज़्ज़त देता है और जिससे तू चाहता है ज़िल्त देता है सारी भलाई तेरे ही हाथ में है बेशक तू हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है और तू ही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है और तू जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता करता है अलिया अमिंदून मोमिन मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दिली दोस्त ना बनाए और जो ऐसा करेगा तो वह अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ यानि हिमायत में नहीं मगर ये कि तुम उनके शर से बचो जैसा कि बचने का हक है और अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है और अल्लाह ही की तरफ पलटना है यानी मोमिनों के सिवा किसी को दिली राजदान ना बनाओ गहरी दोस्ती ना करो लेकिन उनसे उनसे मदारात और अच्छा सलूक और मेहरबानी का मामला कर सकते हो ताल्लुका रख सकते हो मेल जोल और लेन देन हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरह के लोगों के साथ मेल जोल था और लेन देन था लेकिन उस चीज से इस चीज़ से मना किया गया है कि जिसमें इंसान मुसलमानों के राज दूसरों को दे दे कह दीजिए अगर तुम इसे छुपाओ जो तुम्हारे सीनों में है या इसे जाहिर कर दो अल्लाह इसे जानता है और वो जानता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है वो दिन जिसमें हर शख्स ने की और बुराई में से जो भी उसने अमल किया होगा अपने सामने मौजूद पाएगा वो चाहेगा काश उसके और उसके दरमियान और उसकी बुराई के दरमियान दूर का फासला होता और अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है और अल्लाह बंदों पर बहुत शफकत करने वाला है अब ये दो बार आ गई ये बात अल्लाह अपनी जात से तुम्हें डराता है लिहाजा हमें क्या करना चाहिए डरना चाहिए अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होनी चाहिए और साथ साथ डर भी होना चाहिए ताकि हमारे अमाल दुरुस्त रहें क्योंकि होता यह है कि कुछ काम डर के बग़ैर नहीं होते ये हमारी कमज़ोरी है हमारी नफ्स हम यानी कि हमारी साइकोलॉजी ऐसे है कि जब तक हमें कोई प्रेशर नहीं होता जब तक कोई खौफ नहीं होता तो बाद काम हम करते नहीं हैं रहीम कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो यानी रसूल अल्लाह सलम की अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है अल्लाह की मोहब्बत का दावा तो सभी करते हैं पहले किताब भी मशरकिन भी सब लेकिन इस दावे को सच्चा करने के लिए एक प्रूफ चाहिए और वो है कि मोहम्मद वसल्लम पर ईमान है या नहीं और उनकी तालीमात पर अमल है या नहीं सुन्नत की पैरवी है या नहीं अब्दुल कादिर कहते हैं जो कोई किसी की मोहब्बत का दावा करे तो इस तरह मोहब्बत करे जिस तरह महबूब चाहे ना कि जिस तरह उसका अपना जी चाहे और उसी तरह चाहे तो महबूब उसको चाहे यानी जब जब ऐसा करेगा तो फिर रब भी उससे राज़ी होगा इसी तरह ये खिताब हम सब से भी है कि इस खाली जबानी मोहब्बत का दावा काफ़ी नहीं जबानी कलामी इजहार मोहब्बत काफ़ी नहीं बल्कि अपने अकवाल और अफ़ाल से सबूत देना होगा और दीन में बिदात भी ईजाद नहीं करनी क्योंकि सुन्नत की पैरवी कहाँ करने को कहा जा रहा है अपनी मर्जी का पैरल बनाने को नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अमल का मुतालबा करती है कुल ला कह दीजिए अल्लाह और रसूल की इताअत करो फिर अगर वो मुंह फेर जाए तो यकीनन अल्लाह कुफर करने वालों से मोहब्बत नहीं करता यहाँ कुफर किसको कहा जा रहा है इतात से मुंह मोड़ने वाले के अमल को और यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह की इतात के साथ रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात का अलग से हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह की इताद भी करो और रसूल की इतात भी करो और अगर मुंह मोड़ते हो तो फिर तुम्हारा ये तर्ज अमल काबिल को भूल नहीं इन्फ़ा आदमून व आल इब्राहिम व आमरान बेश ने आदम और नू को और आल इब्राहीम और आल इमरान को तमाम जहानों पर चुन लिया नबी सल्हल किस आलमे से थे आल इब्राहिम में से थे नू आ सलाम आदम से थे इब्राहिम सलाम नू आम से थे आल इमरान आल इब्राहिम से थे ऐसी नस्ल जिनमें से बाज बाज़ की औलाद है और अल्लाह ख़ूब सुनने वाला खूब जानने वाला है जब इमरान की बीवी कहने लगी कि ऐ मेरे रब बेशक मैंने तेरे लिए नज़र मानी है कि जो भी मेरे पेट में है वो हर जिम्मेदारी से आज़ाद होगा बस तू मुझसे कबूल कर ले बेशक तू ही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है फिर जब उसने उसको जन्म दिया तो कहने लगी ऐ मेरे रब मैंने तो एक लड़की को जन्म दिया है हालांकि अल्लाह को खूब मालूम था जो उसने जना और लड़का लड़की की तरह नहीं होता और मैंने उसका नाम मरियम रखा है और मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदू से तेरी पनाह में देती हूँ इससे पता चलता है कि पैदाइश के साथ ही नाम रखा जा सकता है सातवें दिन का ज़रूरी नहीं कि इंतज़ार किया जाए नबी सल सम ने फरमाया था कि आज मेरे आज रात मेरे घर बच्चा पैदा हो मैंने अपने बाप इब्राहीम सलाम के नाम पर उसका नाम रखा है चे उसके रब ने उसे अच्छी तरह कबूल कर लिया और उसकी बहुत अच्छी परवरिश की और जकरिया को उसका कफ़ालत करने वाला बना दिया और जब कभी जकररिया उस पर महराब में दाखिल होता तो उसके पास रिस्क पाता वो कहता अहमियम ये तेरे लिए कहाँ से आता है वो कहती ये अल्लाह के पास से है बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहसाब रिस्क देता है ये जकरिया सलाम कौन थे ये वही अल्लाह के नबी हैं आम कॉल के मुताबिक ये उनके खालू थे मगर सही बात यह है कि वो मरियम अलैहिस्सलाम के बहनोई थे इसकी दलील हदीस में राज से मिलती है जिसमें दूसरे आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का जिक्र है और वहाँ वजाहत आती है कि ये दोनों खालाज़ाद भाई थे तो खाला जदाद भाई उसी सूरत में हो सकते हैं कि जब दो बहनों के बच्चे हों और यहाँ पर आप देखिए कि इबादत खाने में नमाज़ पढ़ने के दौरान ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए उन्हें बेटे की खुशखबरी दी और उसका नाम पैदा होने से पहले ही रख दिया गया याहिया रखा गया नाम इसे इसे भी पता चलता है कि पैदाइश से पहले भी नाम सिलेक्ट कर सकते हैं मुनाल कदा जकरिया रब्बहू जब जकरिया ने हज़रत मरियम की ये सारी करामतें देखी तो उन्हें शौक आया कि मैं भी अल्लाह से यहाँ औलाद मांग लूँ जबकि वो एक तवील अरसे से मांग रहे थे वहीं जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ मांगी कहा ऐ मेरे रब मुझे अपने पास से पाकिजा औलाद अता कर बेशक तू ही दुआ का खूब सुनने वाला है तो फरिश्तों ने उसको पुकारा जब वो मेहराब में खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था कि अल्लाह तुझे याहिया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह के एक कलमा यानी ईसा की तस्दीक करने वाला होगा और सरदार और निरी मेरे मेरे हाँ इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है उसने कहा ऐ मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी मुकरे फरमाया तुम्हारी निशानी यह होगी कि तुम तीन दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कलाम न कर सकोगे और इस दौरान अपने रब का कसरत से जिक्र करना और सुबह और शाम उसकी तस्बीह बयान करते रहना जब अल्लाह नेमत दे तो फिर क्या करना चाहिए अल्लाह ही को याद करना चाहिए और ख़ास तौर पर तस्बीह करनी चाहिए अल्लाह की पाकी बयान करनी चाहिए और जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरियम बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे पाक कर दिया है और तमाम जहान की औरतों पर तुझे मुंतखब कर लिया है यहाँ मरियम आसाम की फज़ीलत पता चलती है या मरियम अखनतीली रब्बी की वसुदी व का मरियम अपने रब की फर्मा बरदारी करती रहो और सजदा करती रहो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करती रहो क्योंकि बैतुल मकदस के साथ हज़रत मरियम बैतुल मकदस में छोड़ दी गई थी इबादत के लिए वक्फ कर दी गई थी फी सबील उस दौर में लोग अपनी औलाद को भी इस तरह वक्फ कर देते थे कि अपने कामों से उनको आज़ाद कर देते थे कि सिर्फ दीन के कामों के लिए है। तो वो वहीं पर ही रहती थी दिन रात मेहराब में और बैतलम की खादिमा भी थी तो इसलिए उन्हें जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ तो अब इससे वो लोग समझ जाएं जो कहते हैं कि औरतों को जमात में या मस्जिद नहीं जाना चाहिए वो मस्जिद में रह भी सकती है इतक भी कर सकती है और जमात से नमाज भी पढ़ सकती है वर का ये गैब की खबरों में से है जिसे हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं वरना आप उनके पास न थे जब क़ुरा अंदाजी के लिए वो अपनी कलमें डाल रहे थे कि इनमें से कौन मरीम की कफालत करेगा और ना ही आप उनके पास थे जब वो बाहम झगड़ रहे थे क़ुर अंदाजी की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मरीम जो थी वो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम इमरान की बेटी थीं जब उनकी वालदा ने उन्हें अपनी नज़र से आगाह किया तो इबादत गाह के खुदाम में झगड़ा हो गया हर कोई फिर ये चाहता था कि ये अगर अल्लाह के रास्ते में दी जाने वाली है और हमारे आ, आ, हमारे इमाम की बेटी है तो फिर हमें इसकी सरपरस्ती और निगरानी का शरफ़ हासिल होना चाहिए तो इसलिए उन्होंने क़ुर अंदाजी की और कुर्रा जकरिया सलाम के नाम निकला जब फरिश्तों ने कहा मरियम बेशक अल्लाह तुझे अपनी तरफ से कलमे की खुशखबरी देता है यानी ईसा सलाम की उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा जो दुनिया और आखिरत में बड़े मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा और वो लोगों से पंगूढ़े में और पुख्ता उम्र में कलाम करेगा और साले लोगों में से होगा बोलिया मेरे रब मेरे यहाँ कोई बच्चा किस तरह होगा हालांकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं फरमाया इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो वो चाहता है जब वो किसी काम का फ़ैसला कर लेता है तो बेशक वह उसके लिए कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है कुन कुन। के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं, नहीं। तौरात इंजील और 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 की तालीम देगा और वो बनी इसराइल की तरफ एक रसूल होगा वो कहेगा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की शक्ल की मानद बनाता हूँ फिर मैं उसमें फूक मारता हूँ तो वो अल्लाह के इज़न से एक परिंदा हो जाता है और मैं अल्लाह के इज्न से पैदाइशी अंधे और बर्स वाले को तंदुरुस्त कर देता हूँ और मैं अल्लाह के इज़न से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ और मैं तुम्हें इसकी खबर भी देता हूँ जो तुम खाते हो और जो तुम अपने घरों में जखीरा करते हो इसमें तुम्हारे लिए यकीन एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो यहाँ बेजन अल्लाह का लफ्ज़ बार बार आया है इससे क्या पता चलता है कि अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो ईसा आसलाम ये मुजात नहीं दिखा सकते थे और यही बात हर नबी के मुजात के बारे में कही जाएगी कि वो दरअसल अल्लाह ही के इख्तीार में होते हैं नबी अपनी ी काबिलियत से कोई चीज़ नहीं दिखा सकते तो असल असल कुत और असल इख्तियार किसके पास है अल्लाह रब्ल के पास और तौरात में से जो मेरे सामने है उसकी तस्दीक करने वाला हूँ और ताकि मैं तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम की गई थी और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लाया हूँ बस अल्लाह से डरो और मेरी इतात करो ई तो सलाम ने दरअसल सलाम की शरीयत की तस्दीक की थी वो तौरात पर अमल की दावत देने के लिए आए थे और तौरात में से बास चीज़ें जो बतौर तशदीद उन पर हराम की गई थी उनको अल्लाह के हुक्म से हलाल करार देना भी उनके मकसद बेसत में शामिल था रब्बुकुम अब हादा सिरा तुम मुस्तकीम बड़ी अहम आयत है बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब भी बस उसी की इबादत करो यही सीधा रास्ता है सलाम ने लोगों को क्या सिखाया कि मेरा रब अल्लाह है मैं रब नहीं हूँ मैं गॉड नहीं हूँ मैं गॉड का बेटा नहीं हूँ मैं तो बंदा हूँ रब्बी व रबुम तुम सब उसकी इबादत करो यही सीधा रास्ता है फिर जब ईसा ने उनमें कुफर महसूस किया तो उसने कहा कौन है जो अल्लाह की राह में मेरे मददगार हों हवारी ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाह रहिए कि बेशक हम मुसलमान हैं तो इससे क्या पता चलता है वम्मा अहसामकफ़र यानी सिर्फ उनका गुमान नहीं था बल्कि हवास के जरिए मालूम कर लिया देख सुन के मालूम कर लिया यहूद और उनके उलमा अल्लाह की दी हुई निशानी और दलाइल और मोजाद के आगे बेबस हो चुके हैं लेकिन फिर भी मान नहीं रहे और उनकी ज़िंदगी के दर पाए हैं अब उनको फिक्र हो गई कि ये मुझे ख़त्म करने की साजिशें कर रहे हैं और उन्हें यकीन हो गया कि अब मेरे लिए ज़िंदा रहना दूभर हो गया है तो उन्हें फिक्र किस बात की थी उन्हें फिक्र इस बात की थी कि मेरे पीछे से दीन की तबलीग और नश्रोशात का, का काम रुकना नहीं चाहिए लिहाजा उन्होंने अपने पैरोकारों से पूछा कौन है जो अल्लाह की तरफ दावत देने और उसके रस्ते पर चलने और चलाने में मेरा मददगार बने अल्लाह ताला ने चंद लोगों को तोफीक दी वो ईमान लाए और पूरी तनदही के साथ ईसा सलाम की मदद करते रहे और यही लोग ईसा सलाम के हवारी कहलाए अनसारे कह जिस शख्स को दीन से सच्ची मोहब्बत होती है वो सिर्फ ख़ुद कोशिश नहीं करता कि दीन फैले वो ये भी कोशिश करता है कि और लोग भी उसके साथ शरीक हो जाएं और सब मिलकर एक टीम के तौर पर इस काम को आगे बढ़ाए रबना आमन्ना बिमाजल तब अन मकतुबना माशाहिदीन ए हमारे रब हम उस पर ईमान लाए जो तूने ने नाजिल किया और हमने रसूल की पैरवी की सो तू हमें भी गवाहों के साथ लिख ले यानी सहाबा के साथ वमा करु वमा कर खैरुल माकिरीन और उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी खुफ़िया तदबीर की और अल्लाह खुफ़िया तदबीर करने वालों में सबसे बेहतर है जब अल्लाह ने फरमाया ईसा बेशक मैं तुझे कब्ज़ करने वाला हूँ और तुझे अपनी तरफ़ उठाने वाला हूँ और तुझे उन लोगों से पाक करने वाला हूँ जिन्होंने कुफ़्र किया और जिन लोगों ने तेरी पैरवी की उन्हें क़ियामत के दिन तक कुफ़्र करने वालों पर फोकियत देने वाला हूँ फिर तुम सबको मेरी ही तरफ लौटना है तो मैं तुम्हारे दरमियान उस चीज़ के बारे में फ़ैसला कर दूंगा जिसमें तुम इख्तलाफ किया करते थे यानी दुनिया में तो ये इख्तलाफ ही कर रहे हैं फैसला नहीं हो सकता कि ये हक की तरफ आ नहीं रहे तो अब क्यामत के दिन ही फैसला होगा फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया तो मैं उन्हें दुनिया और आखरत में बहुत सख्त अजाब दूंगा और उनके लिए कोई भी मददगार ना होगा और रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो वो उन्हें उनके अजर पूरे पूरे देगा और अल्लाह ालिमों से मोहब्बत नहीं करता ये अल्लाह की आयात और बहुत हमत वाला जिक्र है जो हम आप पर पढ़ रहे हैं बीच में रिमाइंडर दे दिया गया ये सब बातें हक पर मबनी है अल्लाह ताला की आयत हैं अल्लाह की तरफ से आई हैं याद दहानी है और हमत पर मबनी है लिहाजा इसको पूरी मोहब्बत से कबूल करो बेशक ईसा सलाम की मिसाल अल्लाह के हाँ आदम की मिसाल की तरह है उसने उसे मट्टी से बनाया फिर उससे कहा हो जा तो वो हो गया यह हक आपके रब की तरफ से है तो आप शक करने वालों में से ना हो फिर जो कोई आपके पास इल्म आ जाने के बाद इसके बारे में आपसे झगड़ा करे तो कह दीजिए कि आओ हम अपने और तुम्हारे बेटों को और अपनी और तुम्हारी औरतों को बुला लें और हम खुद भी आ जाएं और तुम भी आ जाओ फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें फिर हम झूठों पर अल्लाह की लानत करें इसको मुबाहला कहा जाता है और यह आयत अहले नजरान के बारे में नाजिल हुई थी जिनका वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था आपने उनको इस्लाम की तबलीग की तालीम दी दावत दी मुसलमान होने की दलाइल दिए और ये सारी बातें बताई उनको लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माने तो फिर को करने के लिए उनको ये दावत दी गई कि फिर आओ हम दुआ करते हैं कि जो झूठा उस पर अल्लाह की लानत हो तो कहते हैं कि आक़िब और रसीद नजरान वाले रसूल सल्लम के पास आए वो आपसे मुबाला का इरादा रखते थे तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा ऐसा मत करो क्योंकि अल्लाह की कसम अगर ये नबी हुए और हमने मुबाहला कर लिया तो हम फला नहीं पाएंगे और ना हमारे बात की नसल तो दोनों ने कहा आपने हमसे जो मुतालबा किया हम आपको देंगे इन्हें नबी सल्ला वसल् कहा और आप हमारे साथ कोई अमीन आदमी भेज दें और किसी और को नहीं सिर्फ अमान को तो किसको भेजा था आपने फरमायाबू तो ये इस, ये इस उम्मत का अमीन है तो इबन अब्बास कहते हैं कि अगर वो लोग नबी सबाहला कर लेते तो इस हाल में वापिस जाते कि ना अपने एहलोल को पाते और न माल को तबाह हो जाते इन्हादलाकस हक बिलाशुबा ये बिल्कुल सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई महूद नहीं और बेशक अल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त खूब हमत वाला है फिर अगर वो मुंह मोड़ जाएँ तो बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को खूब जानता है इससे क्या पता चलता है हक़ से मुंह मोड़ना ही फसाद बरपा करना है क्योंकि इससे इंसान न सिर्फ ये कि खुद गुमराही के रस्ते पर चलता है बल्कि दूसरों को भी भटका देता है कह दीजिए अहल किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराएं और हम में से कोई भी अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को रब न बनाए फिर अगर वो मुँह मोड़ जाए तो तुम सब कहो कि गवाह रहो बेश हम फर्माबरदार हैं तो यहाँ एहले किताब को तीन मुश्तरक बातों की तरफ दावत दी गई नंबर एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें नंबर दो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं नंबर तीन कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए यानी रब बनाने का मतलब ये कि उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझे अहले किताब तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ा करते हो हालांकि तौरात और तंजील उसके बाद ही तो नाजिल की गई थी क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते क्योंकि यहूदी कहते कि इब्राहिम सलाम यहूदी थे और ईसाई कहते कि वो ईसाई थे तो यहाँ उसका फैसला किया जा रहा है कि वो तो बहुत पहले गुजरे थे जब तुम अभी तुमने अपने दीन में ये फ़िरक़े नहीं बनाए थे हाँ तुम वही लोग हो जिन्होंने इस मामले में झगड़ा किया जिसका तुम्हारे पास कुछ इल्म था फिर तुम उस मामले में क्यों झगड़ा करते हो जिसका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते माँ का ना इब्राहिम व यहूदी नसरानिया इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना ईसाई बल्कि वो तो यकसू मुसलमान थे और वो शिरप करने वालों में से न थे बेशक सब लोगों में इब्राहिम के करीब तर तो वो लोग हैं जिन्होंने उसकी पैरवी की और ये नबी और वो लोग भी जो आप पर ईमान लाए और अल्लाह मोमिनों का दोस्त है मतलब यह है कि अगर तुम इस माने में इब्राहीम को यहूदी और नसरानी कहते हो कि उनकी शरीय तुम्हारी शरीत से मिलती जुलती है तो ये भी गलत है क्योंकि इब्राहिम आलम के पैरोकारों के बाद उनके सबसे ज़्यादा करीब नबी मोहम्मद सल्लाम और इन पर ईमान लाने वाले हैं तो इस मुसलमानों को यह कहने का हक ज्यादा पहुंचता है कि हम उस तरीके पर हैं जिस पर इब्राहिम थे नबी ने फरमाया हर नबी के लिए नबियों में से कुछ दोस्त हैं जिनसे उसका खसूसी ताल्लुक होता है और मेरा खास ताल्लुक वाला दोस्त मेरा बाप और मेरा मेरे रब का खलील है यानी इब्राहिम है अहले किताब में से एक ग्रोह चाहता है काश वो तुम्हें गुमराह कर दे हालांकि वो खुद अपने आप ही को गुमराह कर रहे हैं और वो शौर नहीं रखते यानी खुद को हक पर समझते हैं और तुम्हें हक से हटाना चाहते हैं हालांकि वो खुद गुमराहि पर है अहले किताब तुम क्यों अल्लाह की आयत का इनकार करते हो हालांकि तुम उनकी सच्चाई की गवाही देते हो अहले किताब तुम हक को बातिल के साथ क्यों खल मल्त करते हो और तुम हक को छुपा जाते हो हालांकि तुम जानते हो और अहले किताब और अहले किताब में से एक ग्रोह ने कहा कि जो ईमान वालों पर नाजिल किया गया है उस पर दिन के शुरू में ईमान ले आओ और उसके आखिर में उसका इनकार कर दो शायद के ये उस दिन की शायद के ये उस दीन से पलट जाए असल में कमज़ोर ईमान वाले मुसलमानों के दिलों में इस्लाम के बारे में शकूक व शुभात पैदा करने के लिए ये अहल किताब मुख्तलफ साजिशें करते रहते थे और यह भी इस सिलसिले की एक साजिश है जिसका यहाँ जिक्र किया गया कि सुबह के वक्त पैगम्बर पर ईमान का इजहार करो शाम को इनकार कर दो और कहो कि हमें तो इस दिन में कुछ नजर नहीं आया तो ताकि जो दूसरे मुसलमान हैं अभी नए नए मुसलमान हुए वो भी सोचने लगे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं किताब जानते हैं और ये इससे अलग हो गए हैं तो कोई ख़राबी तो होगी ना कोई तो कसूर होगा इसमें लिहाजा हम भी पीछे हट जाए तो ये होता है फसाद और किसी बात का यकीन ना करो सिवाय उसके जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे और किसी की बात का यकीन ना करो सिवाय उसके जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे कह दीजिए बेशक असल हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है हुदा कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को भी वैसी चीज दे दी जाए जो तुम्हें दी गई या जिसकी वजह से ये तुम्हारे रब के पास तुम पर हुज्जत कायम कर सके कह दीजिए बेशक फजल अल्लाह ही के हाथ में है वो जिसे चाहता है अता करता है और अल्लाह वसत वाला खूब इल्म वाला है जुलफजल अज़ीम वो अपनी रहमत के साथ ख़ास कर लेता है जिसे वो चाहता है और अल्लाह बड़े फ़जल वाला है और अहल किताब में से कोई ऐसा है कि अगर आप उसे एक ख़ज़ाना बतौर अमानत दें तो वो उसे आपको वापस कर देगा और उनमें से कोई ऐसा है कि अगर आप उसे एक दीनार भी बतौर अमानत दें तो वो कभी आपको वापस नहीं करेगा मगर ये कि आप उसके सर पर खड़े रहें ये इस वजह से है ये इस वजह से कि उनका कहना यह है कि हमसे उम्मियों के बारे में यानी अरबों के बारे में कोई मुआवज़ा नहीं होगा और वो अल्लाह पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं यहाँ अल्लाह ताला का इंसाफ मुलाज़ा फ़रमाए कि अहले किताब की मजम्मत के दौरान भी अगर उनके कुछ लोगों में कोई ख़ूबी थी तो उसका इतराफ़ फरमाया मजम्मत सिर्फ़ उनकी की जो उसके अकदार थे और इसमें वो इसके बारे में वो वाक्य आपको याद होगा जो सही बुखारी में तफसीला आता है जिसमें बनी इसराइल के एक शख्स ने दूसरे इसराइली से एक हज़ार दीनार कर्ज मांगा फिर पहुँचाने के लिए कश्ती ना मिली तो लकड़ी में डालकर समुंदर के हवाले कर दिया और फिर बाद में ख़ुद भी लेकर हाजिर हुआ मगर दूसरे ने भी अमानत का मुज़ाहरा किया और कहा कि तुम्हारी भेजी हुई लकड़ी मुझे मिल गई है और रकम मिल गई है तो ऐसे लोग भी थे बनी इसराइल में सही

वला याकल्लमुहुम अल्लाह वला यनज़ुरु इलैहिम यौम अल-क़ियामा वला युज़्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी क़ीमत के इवज बेच डालते हैं उनके लिए आख़िरत में कोई हिस्सा न होगा और क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम न करेगा और न उनकी तरफ देखेगा और न ही उनको पाक करेगा बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा और बेशक उनमें एक समूह के लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की किताब पढ़ते वक्त उसके साथ अपनी जबानों को मरोड़ते हैं ताकि तुम उसे किताब की इबारत समझो हालांकि वो किताब में से नहीं होता और वो कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से है हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता और वो जानते बूझते अल्लाह पर झूठ बोलते हैं किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं कि वो अल्लाह किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं कि अल्लाह उसको किताब और हमत और नबूबत अदा करे फिर वो लोगों से कहने लगे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ बल्कि वो कहेगा कि तुम रब्बानी बन जाओ क्योंकि तुम किताब की तालीम देते रहे हो और तुम खुद भी इसे पढ़ते रहे हो रब्बानी कहते हैं बाअमल मुबल को सैद बिन जुबैर कहते हैं इससे मुराद वो आम है जो अपने इल्म पर अमल करता हो और रब्बानियों का मर्तबा अखबार से बड़ा है अखबार से मुराद अहल इल्म है यानी इल्म है इस्कालस हैं लेकिन वह इस्कॉलर जो अमल भी करते हैं वो रब्बानी होते हैं यानी बामल लोग दरदा कहते हैं तुम आलिम नहीं बन सकते हती कि तुम इल्म सीखने वाले बनो और तुम इल्म से आलिम नहीं बन सकते हती कि तुम उस पर अमल करो और तुम्हारे गुनाह के लिए यही काफ़ी है कि तुम हमेशा इल्म के मामले में झगड़ा करने वाले बन जाओ और तुम्हारे गुनाह के लिए यही काफ़ी है कि तुम मुसलसल अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और चीज़ में गुफगु करते रहो तो आलिम की जिम्मेदारी लोगों की असलाह का काम करना भी है तो रब्बान से रब्बानी है रब वाले कि जो लोगों को अपनी जात की तरफ नहीं बुलाते रब से जोड़ते हैं फिर फरमाया और ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देता है कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम मुसलमान हो चुके हो यानी अम्बिया और सालिन ने ऐसा कोई काम नहीं बताया कि जिससे वो अपनी पूजा परस्तिश कराए या अपने मरने के बाद अपनी कब्रों की पूजा कराएं ये बात के गुमराह लोगों का काम है कि जिन्होंने अम्बिया की तालीमत को भुला कर कबरप्रस्ती शुरू कर दी और जब अल्लाह ने तमाम नबियों से पुख्ता अहद दिया कि मैं हिकमत में से जो भी तुम्हें अता करूँ फिर तुम्हारे पास वो रसूल आ जाए जो उसकी तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी मदद करना फरमाया क्या तुम इकरार करते हो और इस पर मेरा अहद कबूल करते हो उन्होंने कहा हमने इकरार किया फरमाया फिर गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ मुंह मोड़ जाए तो यही लोग फासिक हैं वो ही उर्जाउन क्या फिर वो अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन तलाश करते हैं हालांकि आसमानों और जमीन में जो भी है खुशी और नाखुशी से उसी का फरमाबरदार है और वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे कुल नाजिल किया गया और जो इब्राहिम इसमाइल इसहाक याकूब और औलाद याकूब पर नाजिल किया गया और जो मूसा और ईसा और तमाम अम्बिया अपने रब की तरफ से दिए गए हम उनमें से किसी एक के दरमियान भी फर्क नहीं करते और हम उसी के फर्मा बरदार हैं और जो कोई इस्लाम के अलावा और जो कोई इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा तो वह उससे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा और वह आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा अल्लाह क्यों कर हिदायत देगा उन लोगों को जिन्होंने अपने ईमान लाने के बाद कुफर किया हालांकि उन्होंने गवाही दी थी कि ये रसूल बरहक है और उनके पास वाज निशानियां भी आ चुकी थी और अल्लाह को हिदायत नहीं देता अन्ना लानत अल्लाही वन्नासी ऐसे लोगों का बदला ये है कि उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है फॉलिदीन लाफा वो उस लानत में हमेशा रहने वाले हैं न तो उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बाद ज़ालिक व असलहू इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बाद ज़ालिक व असलहू व इन्नल्लाह गफूरुर रहीम मगर जिन लोगों ने इसके बाद तौबा की और इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है बेशक जिन लोगों ने अपने ईमान लाने के बाद कुफर किया बेशक जिन लोगों ने अपने ईमान लाने के बाद कुफर किया फिर वो कुफर में बढ़ते चले गए तो उनकी तौबा हरगिज कबूल ना की जाएगी और यही लोग दरअसल गुमराह हैं इन الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يبتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और वो इस हाल में मरे कि वो काफिर थे तो उनमें से किसी एक से भी जमीन भर सोना हरगिज कबूल ना किया जाएगा तो उनमें से से किसी एक से भी जमीन भर हरगिज कबूल ना किया जाएगा अगरचे देना चाहे यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनके लिए कोई भी मददगार ना होगा तो इससे मुराद वो लोग हैं जो कुफर की रविश इख्तियार करें और कुफिर की हालत में ही फौत हो जाएं। क़यामत के दिन जमीन भर सोना बदले में देकर छूटना चाहे तो ना छूट सकेंगे आज दुनिया के हकीर फायदों के लिए लोग अपना ईमान बेच देते हैं और कल अगर किसी को इतनी दौलत मिल जाए अव्वल तो इतनी किसी को मिलेगी नहीं लेकिन अगर पूरी जमीन सोने की भर के उनको दे दी जाए तो भी तो भी उनसे कबूल नहीं किया जाएगा उनका ढेरों माल किसी काम नहीं आएगा बिन मालिक कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन आग का सबसे हल्का अजाब पाने वाले से पूछेगा अगर तुझे रुए ज़मीन की तमाम चीज़ें मयसर हों तो क्या तू वो फदिए में दे देगा तो वो कहेगा हाँ अल्लाह ताला फ़रमाएगा मैंने तुझसे इससे भी ज़्यादा आसान चीज़ का मुतालबा किया था जबकि तू आदम की पीठ में था कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना लेकिन तूने इनकार किया और मेरे साथ शिर किया लिहाजा क़यामत के दिन तो किसी की फिर छूट नहीं जो भी शिरक करे अल्लाह ताला हम सबको शिरक से बचाए और हम पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमाए आज की आयत में से ख़ास तौर पर सदके की आयत को आप दोबारा घर जा कर पढ़ें और जो बातें आपने नोट की हैं उनको अपने अमल की डायरी में लिख लें और अब हम सूरत अल्बकर की आखिरी दो आयत की तिलावत सुनते हैं ताकि वो एक दुआ भी हो जाए खामोशी से बेंचेस वगैरह उठाइए सुफानक अल्लाब हमदिका अशद अल्ला अंता استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الله